चंद्र नायडू। अरे सीनू, आओ आओ आओ, हर समय घर में ही बैठे रहते हो। आओ आओ आओ, कैसे हो यार? आओ बैठो। अरे बैठने के लिए मेरे पास टाइम कहाँ है? इतनी व्यस्तता है कि खाने तक को टाइम नहीं मिलता। आज शाम को मेरी बेटी का शुभ विवाह है, तुम सबको सही वक्त पर आना है। आएंगे आएंगे, जरूर आएंगे। तुम्हारी बेटी समझो मेरी बेटी है। मुबारक हो बहन। पहुँच जाएंगे, लेकिन ये अचानक कैसे हो गए? आपको भी ज्यादा सवाल मत पूछो, बस तुम लोग आ जाना। अरे ये भी कोई कहने की बात है क्या? शादी में पहुँच ही जाएंगे। और सुनो, थोड़ा जल्दी आने की कोशिश करना। देखो यार, कुछ भी हो हमें रीति रिवाज तो निभाना ही होता है, और दोस्ती यारी भी निभानी है। देखो मेरे पास वक्त नहीं है, मुझे और भी बहुत सारे काम है। चलता हूँ भाभी, अब शाम को मुलाकात होगी। चलती हूँ बहन जी। देखे यार, जब तक तू नहीं आएगा ना, शादी नहीं होगी। तुम्हें पिछले टाइम पर आ जाना। नहीं है, हम लोग टाइम से पहले ही पहुँच जाएंगे। हाँ ठीक है, चलिए बाय। शादी का मुहूर्त निकल आया, अब तो मजा आएगा। अरे मुझे पता है आपको खुशी हुई है, लेकिन आप इस तरह से क्यों नाच रहे हैं? ये बात तुम नहीं समझोगी। ये स्टूपिड अपनी बेटी की शादी किसी के साथ भी तय कर ले, वो हमारे घर ही आएगी, क्योंकि हमारा लड़का उसी लड़की को भगाकर शादी करेगा, ऐसा उनकी कुंडली में लिखा है। ए जी, ऐसा कुछ नहीं होगा, नहीं तो भगवान नाराज हो जाएंगे। भगवान नाराज क्यों होगा, मेरी भविष्यवाणी सच होगी। अच्छा ये बताइए, सिनू जी की बेटी की शादी में क्या लेकर जाना है? वो तो हम रास्ते से जाते समय खरीद लेंगे। ठीक है, लेकिन ये हमारा सपूत कहाँ है? बाइक लेकर घूमने गया है। अच्छा बाइक लेकर घूमने गया है, फिर तो दो राय नहीं है, जरूर किसी लड़के को लाइन मार रहा होगा। करण, करण क्या हुआ यार? एक बात बड़ी सस्पेंस चल रही है, पता है तुझे? हाँ पता है। अरे उस लड़की का बाप उसकी शादी करा रहा है। वो भी जानता हूँ। अरे क्या करूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। सिंपल, सीनू जी के घर पहुँच जाओ, कह दे कि मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ। अगर मुझ में इतनी हिम्मत होती तो मैं तुम्हारे पास इतनी दूर थोड़ी आता। वो सीनू जी पैसे, ताकत और पहुँच से बहुत आगे हैं, और मैं ठहरा एक मामूली सा सेल्समैन। अगर उनको पता चलेगा हमारे बारे में तो वो मुझे जान से मार देंगे। तो फिर तू एक काम कर, सरस्वती को किसी भी तरह भगा ले जा और उससे शादी कर ले। ये आइडिया तो अच्छा है, लेकिन सरस्वती को ये बात कौन बताएगा? वो सब तो मुझ पे छोड़ दे, सरस्वती से मैं खुद बात करूंगा। अगर उसे मेरी बात समझ में आती है तो सरस्वती को मैं ले आऊंगा। तुम दोनों शादी कर लो और हंसी खुशी से रहो। बहुत बहुत शुक्रिया यार। इट्स ओके। अरे सुनो, उन्हें क्या चाहिए जरा देखो। अरे रे रे रे, सभी लोग मुझे ही बुलाते हैं, सारे बर्तन पड़े हैं और मालिक लोग चिल्लाने के सिवा कुछ नहीं कर रहे हैं। शाम को बारात आने वाली है, कोई तैयारी नहीं हुई। शादी हो रही है या मजाक हो रहा है? नाम बड़े और दर्शन छोटे। ये तुम किससे बात कर रहे हो? तुम्हें किसने बोलने के लिए बोला? जाओ अपना काम करो। रुको, कमाल है, कितना भी कर लो यहाँ कोई इज्जत नहीं होती। सारा काम अकेले करना पड़ता है, मैं भी तो इंसान हूँ। क्या बात है भाई, जब भी मैं आपको देखता हूँ आपका गुस्सा सातवें आसमान पर रहता है। अच्छा ये बताओ कि शादी तुम करवा रहे हो या मैं? ये मैं मालकिन से पूछ कर आता हूँ। इधर आओ। गांधी जी के तीनों बंदरों के पास बैठकर डुगडुगी क्यों नहीं बजाते? वही तुम्हारे लिए ठीक है। ज्यादा नाटक करोगे तो तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा, तब तुम्हें पता चलेगा कि मालिक कौन है, तुम हो या मैं हूँ। मालिक तो आप ही हैं, मालिक का चमचा मैं हूँ। ये मुंह और मसूर की दाल, सूरज सर पर आ चुका है, सारा काम जल्दी निपटाओ, चलो जाओ। अरे तुम क्या कर रहे हो, डंडे पे रस्सी क्यों लपेट रहे हो? हाँ क्या बात है बेटी? बाबूजी मैं ये शादी नहीं। क्या कहा, शादी नहीं करनी? मैंने पूछा था ना, कोई लड़का पसंद है तो बता, फिल्मी स्टाइल में मैं तेरी उससे शादी करवा देता, फिर तू उसके साथ फ्रर उड़ जाती। उस वक्त तुमने कहा ऐसी कोई बात नहीं, और अब तुम कह रही हो बाबूजी मुझे ये शादी नहीं करनी है। देखो अगर मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ाने की तुमने कोशिश की या फिर ऐसी बात की, तो एक बात याद रखना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। अरे अरे ये क्या, बाहर मेहमान बैठे हुए हैं, जरा आराम से बात कीजिए। आराम से बात करने का वक्त गया, इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया, अब तुम ही इसे समझाओ। मालिक क्या है? अंदर से जोर जोर से आवाज आ रही थी, बात क्या है? ये मेरा फैमिली प्रॉब्लम है, तुम्हें कोई प्रॉब्लम है क्या? ऐसा कुछ नहीं है, प्रॉब्लम क्या है मैं जानता हूँ। क्या जानते हो? बिटिया किसी और से प्यार करती है, इसलिए शादी से इनकार कर रही है, यही ना? क्या बात है, बिल्कुल सही कहा। तुम अपनी हद में रहा करो, जाओ जाकर देखो कौन आया है। जोरे, इधर उधर क्या देख रहा है? यहाँ से फरार होने की सोचना मत, वरना खाल खींच के उसमें भूसा भर दूंगा। अब चलो। लो आ गए, अब मारना नहीं। मारना नहीं का क्या मतलब? ये मेरा दोस्त है, बचपन का लंगोटिया दोस्त। जानता हूँ, लेकिन मैं कौन हूँ आप नहीं जानते। तुम कौन हो? छोटा सीनू, समझे? छोटा सीनू कब से हो गया? छोटा सीनू तो ये है। अरे कितनी देर लगा दी यार, मैं कब से तुम्हारी राह देख रहा हूँ। चलो आओ जल्दी। चलो चलो चलो।
अरे बेटी देखो कौन आया है। जल्दी से आशीर्वाद दो। देर गायुष्मान भव। बेटी चलो सरस्वती ये लो। जरा बाहर आ जाओ। समझ में नहीं आया क्या? नहीं नहीं समझ में आया। जरा बाहर आओ। क्या? मुझे तुमसे कुछ कहना है। बाहर आओ बाहर। जरा बाहर आओ। कुछ कहना है तुमसे। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। जल्दी बाहर आओ। जल्दी आओ। ठीक है। जल्दी आओ। कुछ तो गड़बड़ है। मेरी बात समझ में आई ना? मैं भी वही चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर भी लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं है। प्यार और जंग में सब कुछ जायज है। सारा इंतजाम हो गया है। 5 बजे वाली गाड़ी का तुम दोनों का टिकट भी मैंने ले लिया है। तुम कैसे भी करके स्टेशन पहुँचना। ठीक है, लेकिन किसी ने देख लिया तो? वो मैं देख लूंगा। स्टेशन पहुँचना है, उसके बाद क्या करेगा? लेकिन वो लड़का ये तो नहीं है। अरे हाँ, ये उसका साथ दे रहा होगा। सारा इंतजाम बहुत अच्छे से हो गया। लड़के वाले भी बहुत अच्छे हैं। कोई लेन देन का झंझट नहीं है। इससे बढ़कर और की मीटिंग हो गई क्या? तुम्हें कोई तकलीफ है क्या? आपको एक सीक्रेट बात बतानी है मालिक। क्या सीक्रेट बात? जाओ जाओ जाके सुनो। नहीं नहीं, आप भी रुकिए। जब वो सीक्रेट मैं इनको बताऊंगा तो फाइट शुरू हो जाएगी और आप उसके फाइट मास्टर होंगे। आइए आइए आइए। पागल हो गया लगता है। आइए चलो बताओ। छोटी मालकिन शादी से क्यों इनकार कर रही है मैंने पता लगा लिया। किस लिए कर रही है? क्योंकि उनका प्यार का चक्कर चल रहा है। बिटिया ये बात चंद्रा जी के लड़के से बता रही थी और सब कुछ मैंने सुन लिया। तेरे सर में भूसा भरा है क्या? अरे वो बचपन से एक दूसरे के दोस्त हैं। आपस में थोड़ी सी बात क्या करती है तुम? चक्कर रहे हो? आज भरी इतनी मार। क्या कर रहे हो? इसे क्यों मार रहे हो? मार खाए बगैर इसका खाना हजम नहीं होता, इसीलिए इसे देना पड़ता है। क्या एकाद हाँ दो ना। अब हजम होगा ना। अरे मेरा लड़का कहाँ है? किसी लड़की के पीछे लड़ाई करी मार। अरे तू चुप हो जा। शुक्र है तू यही है। चलो अब हम चलते हैं। अरे कैसी बात कर रहे हो यार, मेहमानों की तरह आकर चलता हूँ कह रहे हो? देखो अब जब तक शादी नहीं हो जाती तुम कहीं नहीं जाओगे तो, और वैसे भी सिर्फ 12 घंटे ही बचे हैं तो हम आ जाएंगे। मैं बात कर रहा हूँ, तू चुप रह। इसने कह दिया तो क्या हुआ? हाँ चलो ठीक है, हम लोग आते हैं। हम चलते हैं भाई। अभी टाइम पर आ जाना। छोटी मालकिन इस शादी से जान छुड़ाकर किसी और के साथ भागने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं। वो कौन है इसका मुझे पता लगाना ही पड़ेगा।
चले यहाँ से। चुप। बैग लो बैग। हाँ। चलो। क्यों सुबह सुबह दिमाग खा रही हो? जिस बात का डर था वही हुआ। वो अपने कमरे में नहीं है, मेरा दिल बहुत दबा है। कह रही हूँ, देखो वो यहीं कहीं होगी, जाओ जाकर ढूंढो उसे। हमने सब जगह ढूंढा अंकल, लेकिन वो कहीं नहीं है। ऐसा कैसे हो सकता है? ए, अरे मेरी बेटी घर में नहीं है, चलो चलकर देखते हैं। स्वामी स्वामी ये कहाँ चला गया? स्वामी अरे तू यहाँ है? अरे घर में कयामत आ गई है और तू चैन से सो रहा है। देखो मेरी बेटी कहीं चली गई है। क्या हो गया? अरे सरस्वती घर में नहीं है मालिक, आप ज्यादा टेंशन मत लो। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? मेरे आंखों के सामने भागी है मालिक। हाँ? तेरी आंखों के सामने? ये तो क्या बकवास कर रहा है? जी हाँ, चंद्रा जी के लड़के के साथ मैंने उसे भागते हुए अपनी आंखों से देखा है मालिक। जब तूने देखा था तो मुझे आकर क्यों नहीं बताया? वो दोनों एक साथ बड़े हुए हैं ना मालिक, इसीलिए दोनों एक साथ भाग गए। इस बात से तो आपको खुश होना चाहिए मालिक। अब मैं लड़के वालों को क्या जवाब दूंगा? लड़की किसी से प्यार करती थी, उसी के साथ भाग गई, यही बोल दीजिएगा। क्या बक रहे हो? मैंने अपनी आंखों से देखा है मालिक, बाइक पर दोनों स्टेशन की ओर जा रहे थे। जो मैंने कहा था वो सच हुआ ना? मेरी भविष्यवाणी सच हुई ना? तुम्हारा लड़का सीनू की लड़की को लेके फरार हो गया है। सोचा नहीं था कि सरस्वती भी ऐसा करेगी। अब चिल्लाने से क्या फायदा जी, आगे क्या करना है ये सोचिए। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मिल गए तो दोनों के टुकड़े कर दूंगा। ए, चलो रे, गाड़ी निकालो। सुनिए ना, आखिर कहाँ तक गए होंगे वो? सुनिए ना जी, मेरी बात तो सुनिए। क्या कर रहे हो? लड़के होकर मेरी लड़की को घर से भगा कर ले जा रहे हो? अंकल मेरी बात तो सुनिए। अब तुम मुझे क्या सुनाओगे? मेरा सिक्का ही खोटा है। खामोश। तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई? जी तो करता है। मेरे लड़के पर क्यों भड़क रहे हो? इसने ऐसी नीच हरकत की है कि दिल करता जान ले लो। जान लेने की बात सोचना ही मत, अभी इसका बाप जिंदा है। तो क्या हुआ, शादी के घर से इस तरह भगा कर लाना, ये कहां का इंसाफ है? गांव चुप रहो, तुम्हारी लड़की को मेरे लड़के ने भगाया इसका क्या सबूत है? अभी बताता हूँ, ये देखो सबूत। जी हाँ भाई साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जरूरत पड़ी तो ये पंचायत के सामने गवाही देगा। हाँ, दारू के पैसे देकर किसी से भी गवाही दिलवा दोगे? दारू पिए बिना भी किसी से कह सकता हूँ। सुन लिया ना? लेकिन उसके बाद दुगुना पैसे दूंगा। ये मैंने तुम्हें एडवांस में दिया है। इनसे बहस करने से क्या फायदा? चल। सुनो नायडू, करण की वजह से मेरी बेटी बदनाम हुई है। तो उसमें मैं क्या करूं? दूसरा रिश्ता ढूंढ ले। चंद्र नायडू, अपनी जुबान को लगाम दो। पूरे गांव में ये बात फैल गई है, मेरी बेटी के भविष्य का क्या होगा? करण को इसे अपनाना होगा। क्या कहा? शादी के मंडप से भागी हुई लड़की को तुम मेरे लड़के के गले में बांधना चाहते हो? ये कभी नहीं हो सकता। नहीं हो सकता, मेरी लड़की को शादी के मंडप से करण ने भगाया। इस बात से कोई फायदा नहीं, खोट तो तुम्हारी लड़की के अंदर भी है। क्या कहा? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? क्या हमारी कोई इज्जत नहीं? कोई तो नहीं है, हमारी जात करी, हमारे पात करी, औकात करी, किसी लायक नहीं। भगवान ने सिर्फ इंसान को बनाया और ये सब कुछ इंसान ने बनाया। वैसे भी मैं तुमसे आगे हूँ। तुम मुझसे आगे ही हो, तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। जब तक मैं जिंदा हूँ इन दोनों की शादी नहीं होने दूंगा। मैं भी तुम्हें चुनौती देता हूँ, इन दोनों की शादी मैं करवा कर ही रहूंगा। चंद्र नायडू, बचपन से लेकर आज तक तुमने सिर्फ हमारी दोस्ती देखी है, दुश्मनी नहीं देखी। अब तुम मेरी दुश्मनी देखोगे, देखना मैं क्या करता हूँ। चलो यहाँ से। ए, ये सीनो अपनी जबान का पक्का आदमी है, ये जो कहता है वो सच में कर गुजरता है। तेरी कुंडली में ऐसा ही लिखा है, अब तू भुगत। सॉरी यार, मुझे स्टेशन पहुँचते पहुँचते ट्रेन छूट चुकी थी। तेरे पापा और सीनू जी के बीच झगड़ा चल रहा था, उससे मैं और डर गया। तेरी वजह से शादी रुक गई। थैंक्स यार।
मुझे ये झूठ मूठ का थैंक्स नहीं चाहिए। मुझ पे क्या गुजरी है पता भी है तुझे? अरे तुम दोनों का भला करते करते मुझ पे मुसीबत आ गई। मैं जाकर सारी सच्चाई बता दूंगा। नहीं रुक जा यार, सिनू जी मुझे जिंदा गाड़ देंगे। नहीं बताया तो जबरदस्ती वो अपनी बेटी मेरे गले बांधेंगे। पता है मेरे पापा और उनमें दुश्मनी हो गई है। हे सॉरी यार। ठीक है, लगता है कुछ होने से पहले ही मुझे यहाँ से जाना होगा। तेरे पापा मान जाएंगे ना? वो क्यों मानेंगे, मैं मनाऊंगा या फिर यहाँ से भाग जाऊंगा। भाग कर कहाँ जाओगे? हैदराबाद में चीनू नाम का मेरा एक दोस्त है, वहां चला जाऊंगा। यहाँ तो सिर्फ लड़कियों की एंट्री है, लड़के कैसे आ गए? आप कौन है भाई साहब? वो बाद में बताता हूँ, ये चीनू का ही घर है ना? यस। लेकिन वो लड़कियाँ कौन थी? आइटम्स हैं। आप उनके ब्रोकर हो? अरे बाप रे, तुम कैसे कह सकते हो कि मैं ब्रोकर हूँ? वो आपके चेहरे से पता चल रहा है। ये भी मेरे चेहरे पर लिखा गया। किससे बात कर रहे हो? हाय चीनू। अरे करण, What a pleasant surprise. तुझे मेरे घर का दरवाजा कैसे याद आ गया? बाहर मैं बताता हूँ, इतनी लड़कियाँ तू अब तक नहीं सुधरा। पैसा है, जवानी है, मौका है, एंजॉय करने में बुराई क्या है यार? कोई अच्छी सी लड़की देख के शादी कर ले। कर लूंगा, बैठ। अभी तक तो सोचा नहीं है, कोई अच्छी लड़की मिलती है तो यूं समझ ले कि सारी आवारगी को फुल स्टॉप। लेकिन तब तक मेरे लिए अच्छा टाइम पास है यार। अच्छा तू अचानक कैसे आया? क्या बताऊं, अब ये समझ ले कि मैं तेरे साथ ही रहने आया हूं। जब तक तुझे यहाँ रहना है तो आराम से रह, ठीक है? सुनिए, मेरा बेस्ट फ्रेंड करण है, इसे कोई तकलीफ नहीं होनी। मतलब ये ठीक है, आप लड़कियों के ब्रोकर नहीं हो? अरे बाप रे, बस बस नाटक बहुत हो गया, वैसे ही ब्रोकर ही है। मुझे घर पे एक फोन करना है। अरे तेरे पास सेलफोन नहीं है क्या? सेलफोन नहीं है यार, मम्मी से बात करने का दिल कर रहा है। ठीक है वो फोन इधर ला। नहीं लगा, लाइन बिजी है, बाद में देखते हैं। क्या हुआ, पैर पकड़कर माफी मांगने आए हो? पैर पकड़कर माफी नहीं बे, तेरी दोनों टांगे काटने आए हो। जुबान संभाल कर बात करो वरना अच्छा नहीं होगा। ए, मेरे लड़के का एक भी बाल बांका हुआ ना तो तेरा सर धड़ से अलग कर दूंगा। मेरे घर में घुसकर मुझे ही ललकार रहे हो? ए, तुम मेरे दोस्त रह चुके हो इसलिए बर्दाश्त कर रहा हूँ, वरना यहाँ खून खराब हो जाता। तो फिर भला इसी में है कि मेरे लड़के को कहाँ छुपा रखा है ये बता दे। अब इसमें बताने वाली क्या बात है भाई साहब, आपके लड़के के साथ इनकी लड़की की शादी करा दे, बात खत्म। बहुत छुपा कर कहाँ भाग रहे हो? और तुम्हारा चमचा क्या कह रहा था? जी हाँ, उन दोनों की शादी भी हो गई और उन दोनों को हनीमून के लिए मैंने कश्मीर भी भेज दिया। कश्मीर भेज दिया? वहाँ आतंकवादियों का लफड़ा है, वहाँ क्यों भेजा तुमने? यहाँ घुट घुट कर मरने से अच्छा है वहाँ गोली खाकर मर जाए। धोखा, दंगा, फरेब। हे श्रीनिवास, अब तुम मेरी बात भी कान खोल के सुन ले, मैं तुझे कोर्ट में घसीट कर तेरा जीना हराम कर दूंगा। नहीं भाई साहब, वहाँ वाटर प्रॉब्लम है, जेल में जगह नहीं है। दूसरे के फटे में टांग अड़ाओगे तो इसी तरह खाते रहोगे। वो हमारे सामने नाटक करता रहा कि वो प्यार नहीं करता था, अब उन दोनों की शादी होगी। मेरा बच्चा कहाँ है पता चला? वो सीनू की लड़की से शादी करके हनीमून मनाने कश्मीर गया है। ये तो बहुत ही खुशी की बात है जी। जो हुआ अच्छा हुआ। हेलो पापा, मैं बोल रहा हूँ। उसी का फोन है। पापा मुझे माफ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। वो कह रहा है कि उससे भूल हो गई, माफी मांग रहा है। वो सब ठीक है, पर तू इस वक्त है कहाँ? कश्मीर से बोल रहा है ना? नहीं पापा, हैदराबाद से। हैदराबाद से? अच्छा चल कोई बात नहीं, वो भी तो एक छोटा कश्मीरी है, लगभग वो पाकिस्तान का बॉर्डर ही तो है। ये आप कैसी बात कर रहे हैं पापा, यहाँ कश्मीर कहाँ है? वो सब ठीक है, बता सरस्वती कैसी है? सरस्वती? सरस्वती के बारे में मुझे क्या पता? कहीं तेरी मती तो नहीं मारेगी? अरे पापा आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं तेरा पता लगाने तेरे नालायक ससुर से मिलने गया था, उसी ने बताया कि तुम दोनों शादी करके कश्मीर चले गए हो। छी छी, नहीं, सरस्वती से मुझे शादी नहीं करनी, इसलिए तो मैं भागकर हैदराबाद आया हूँ। लगता है मेरे पापा पागल हो गए हैं। क्या हुआ? तो किसको पागल बोलने की हिम्मत करा? तेरी सवार खींच लूंगा मैं। बाबूजी मैं चीनू बोल रहा हूँ। बाबूजी बोल रहा है? पता है कोई सामने से मुझे बाबूजी कहकर बुला रहा है। इज्जत मिल रही है तो ले लीजिए ना। देखो बेटा, हैदराबाद में मेरा कोई ब्रांच ऑफिस नहीं है, वैसे आप हैं कौन? मैं करण का बेस्ट फ्रेंड हूँ अंकल, करण इस वक्त मेरे पास है,
आपको फिक्र की कोई जरूरत नहीं। बेटा तुम्हारी शादी आदि होगी क्या? अब तक तो नहीं हुई। तो फिर कोई खूबसूरत तुम्हारी जान पहचान वाली अगल बगल में कोई लड़की है क्या? नहीं तो, लेकिन किस लिए अंकल? इसकी जन्म कुंडली में यही लिखा है कि वो जिससे प्यार करेगा उसे भगाकर शादी करेगा। ऐसी कोई लड़की आसपास नहीं है। बाय द वे, ये जब मेरे साथ है तो जनक जनक पायल बाजे का मजा लूटते हुए रहेगा। फोन देना जरा उसे एक मिनट। अब हेलो, गाँव में तो तूने मेरी इज्जत लुटवाई दी है और अब शहर में झनक झनक पायल बाजे मत पड़ना। मेरी नाक कटवाने में क्यों तुला? जल्दी एड्रेस बता। एड्रेस हाउस नंबर 46 रोड नंबर 6 बंजारा हिल हैदराबाद। चलो ठीक है। आप रे, अब जाकर मेरे दिल को तसल्ली मिली। देख लिया ना, बेकार में आप परेशान हो रहे थे। मेरा बच्चा खरा सोना है। सोना है तो पिघला कर गहने मरवा लो। मुझे डर है कि वो झनक झनक पायल के चक्कर में ना पड़ जाए। ऐसा हुआ क्या है जी? क्लब में जाएंगे और नंगा नाच देखेंगे। जिंदगी बर्बाद करने का खेल है वो सब। हे भगवान, छोड़िए ना। वैसे हैदराबाद में आपके केरला वाले दोस्त है ना पीके राव जी, उनसे कह दीजिए कि उसका ख्याल रखें। उससे कहूंगा तो वो उसे उठाकर अपने घर में ले आएगा। उनकी एक बच्ची भी है ना? है ना, एक इकलौती बेटी है, सोने जैसी बच्ची है वो। वो हमारे लड़के से रिश्ता करने के लिए कब से कह रहा है। अगर उन दोनों बात बन गई तो हमारे लिए भी खुशी की बात होगी। उनकी शादी मैं हैदराबाद से करवाऊंगा और यहाँ सीनू का मुँह खुला का खुला रह जाएगा। वो तो सब ठीक है जी, पहले अपने दोस्त को फोन तो लगाइए। पहली बार तुमने कोई सही बात कही है। चिनू भाग जा, यहाँ से भाग जा। क्या हुआ यार? तेरी जिंदगी में ब्रेक लगाने के लिए वो बड़ी स्पीड से आ रहे हैं। तो चले भी जाएंगे शांति से। शांति कौन है? मैं तो शालिनी का पिता हूँ। ये डिस्को जैसी बातें क्यों कर रहे हैं? कैसा डिस्को? वो अरे बापे, इसे क्यों मार रहे हो भाई? मेरे नसीब में ही लिखा है। तुम मुझे नहीं पहचान पाओगे। जब छोटे थे तब मुझे देखा था। मेरा नाम पीके राव है। पीके राव है? क्या बेचते हैं आप? बीच में बोलोगे तो तुम्हें ही बेच दूंगा। तुम्हारे पिताजी मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं। उन्होंने ही मुझे फोन किया था। ये कौन है? ये मेरा दोस्त है। तुम्हारे पिताजी ने कहा था तुम अपने दोस्त के पास गए हो। वैसे मेरा ये घर अक्सर खाली पड़ा रहता है। मेरे होते हुए घर खाली कैसे रह सकता है? घटिया सेल्समैन। हे भगवान, ये दिन भी दिखा दिए। चीनू, ये तुम्हें मैं समझकर तुमसे इस तरह की बात कर रहा है। तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ। तुम चले जाओ। ऐसा कैसे हो सकता है यार? मैंने कहा ना तुम जाओ। तुम दोनों आपस में क्या बात कर रहे हो? समझ गया। इस घर की सुविधा मेरे पास मिलेगी या नहीं आई ना, नो प्रॉब्लम। ये घर मेरी लड़की के नाम है। जो उससे शादी करेगा उसे ये गिफ्ट करूंगा। तो फिर ठीक है अंकल, मैं जरूर आऊंगा। ये हुई ना बात। वैसे अंकल, आप स्पीड ब्रेकर तो नहीं लगाएंगे ना? स्पीड ब्रेकर मतलब भाई आपकी स्वीट डॉटर आप जैसी है ना? बिल्कुल बिल्कुल, वो मेरी तरह ही है। वैसे ये क्यों पूछा? मैं यहीं रहूंगा या ऊपर चला जाऊंगा ये जाने के लिए? वो मेरी रियल बेटी नहीं, मैंने उसे गोद लिया है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो चलिए सुन, ध्यान से सुन, राज को राजी रहने देना, बाकी मैं संभालूंगा। वैसे मैं आपकी लड़की का नाम डायरी में एंट्री कर लूं क्या अंकल? डायरी में एंट्री क्यों करना चाहते हो? दो दिन तो जाने दीजिए, आप खुद ही समझ जाएंगे, इसीलिए मैंने ये कहा। आ जाओ बेटा। मालती, मालती। हाँ जी, आ रही हूँ जी। ये मेरी पत्नी है। अगर हाईवे इतना खूबसूरत है तो स्पीड ब्रेकर कैसा होगा? मालती, ये बड़े हैं बाबू चंद्र नायडू जी का बेटा करण। तुम कैसे जानती हो? इन्हें लाने आप खुद जा रहे हैं ये बता कर गए थे ना। लेकिन ऐसा तो नहीं कि उनकी जगह किसी और को ले आए हैं? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं, मैं ही हूँ करण। कैसा लगा यहाँ पे? बिल्कुल ब्रह्मांड की तरह। लेकिन आपकी बेटी अब तक नजर नहीं आ रहा। मेरा मतलब दिल करता है परमानेंटली यहीं सेटल हो जाऊं। अच्छा, ये बात है तो तुम यहीं रह जाओ। अंकल, शालिनी अभी तक कॉलेज से नहीं आई। आ गई है, तुम आ रहे हो ये सुनकर मेकअप कर रही है। शालिनी, उसे देखने के लिए दिल तोड़ रहा। क्या कर रही हो, जल्दी आ जाओ। मैं आ रही हूँ डैडी। बाबा रे बाबा, ये स्पीड ब्रेकर या फिर पूरा टैंकर। आ जाओ बेटी, यही है तुम्हारा करण। अंकल, मुझे एक जरूरी काम याद आया। तुम तो यहीं पे सेटल होने की बात कर रहे थे। अब यहाँ रुका तो टैंक के नीचे क्या कहा? वही वही, आपकी लड़की बहुत ही खूबसूरत है, अगर मैं यहाँ रुक गया तो लोग गलत सोचेंगे। अरे सोचने दो, उनका तो काम ही है सोचना। तो फिर मैं चलूं अंकल? ओके। क्या बेटी, लड़का तुम्हें कैसा लगा? खाने के लायक है? पहले से खा लो। अरे ये लड़का खाने वाली चीज नहीं, जाल में फंसाने वाली चीज है।
बेटी सब ठीक है ना? हाँ अंकल ठीक है। क्या हुआ, अभी तक यहीं हो? अंकल अंकल वो क्या है, तुम्हारा तो कोई अर्जेंट काम था ना? वो मैंने बाहर जाने का प्रोग्राम चेंज कर दिया। लेकिन फिर तुम्हारे काम का क्या होगा? अरे सुनो लता, ये है मिस्टर चिनू कृष्ण। हेलो, ये मेरा पेट नेम है। अरे लता, तुम्हारे बोर्डिंग का नाम क्या है बताओ ना। ओह, उसका नाम एल्डर पीटर। वो क्या है ना, बड़ों के सामने पूछ रहा हूँ, मुझे गलत मत समझना। मुझे ऐसा क्यों लग रहा कि मैंने आपको कहीं देखा है? आपने कहाँ देखा मुझे? अच्छा वैसे आप रहती कहाँ है? श्री लक्ष्मी अपार्टमेंट अमरपेट। अरे हाँ वही तो देखा मैंने। अरे भाई तुम्हारा अर्जेंट काम था, अभी यहीं खड़े हो, जल्दी जाओ ना। जा रहा हूँ, जा। ओके बाय। जा बाय। बाय बाय अंकल। आओ अंदर। आओ बेटी। करण मैंने देखा यार, देखा। क्या देखा यार? मैंने आसमान से उतरी हुई एक परी को देखा। गजब की खूबसूरत थी वो, उसे देखते ही मैं अपने आप को भूल गया यार, बस उसे देखता ही रह गया। मेरे पैरों को जैसे ब्रेक लग गया यार, उसे देखा तो दिल को ऐसा लगा जैसे उसे देखता ही रहूं। उसकी कैसे तारीफ करूं यार, मेरे पास अल्फाज नहीं है। Doubt. You are in love. खैर जो लड़की मेरे नाम होने वाली थी उसे तुमने अपनी आंखों में उतार लिया। नहीं नहीं नहीं, तेरी शादी शालिनी से होने वाली थी, ये कोई और है, इसका नाम लता है। लता? Yes. हाँ यार, इसे देखते ही मैं समझा प्यार क्या होता है। हेलो, हाय गुरु। क्या यार? सपना ऑन हॉटलाइन। उसे कह दे मैं मर गया। ये क्या यार, ओहो पुराना चीनू मर गया, ये कह दूं क्या? सपना तुम्हारा चीनू चला गया, तुम कोई दूसरा बकरा ढूंढ लो अपने लिए। ऐसा ही है मैडम, यही तो जिंदगी का खेल है। सुन प्रसाद, लड़कियों के फोन नंबर और एड्रेस वाली डायरी फाड़ के फेंक दे। फाड़ूंगा नहीं, जला कर राख कर दूंगा। यार चीनू, आज मैं बहुत खुश हूँ, उसे तुम्हारी बात हुई? मैं तो उससे बात करना चाहता था लेकिन वो पीके राव बीच में दीवार बन गया। शालिनी ने मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवाया, वाकई वो अच्छी लड़की है, समझ लो मेरा सपना पूरा हो गया। यानी तुम शालिनी की जगह लता से प्यार करोगे क्या? नहीं, मेरा प्यार लता है, कोई बीच में आया तो काट दूंगा। तुम बात करते करते इतने जोश में क्यों आ रहे हो? ऐसा ही कुछ समझ लो, मुझे अपनी जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ है, कोई मुझसे मेरा प्यार छीनेगा तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। चीनू तुम्हें तो लता से एक ही नजर में प्यार हो गया, लेकिन लता भी तुमसे प्यार करती है क्या? करना पड़ेगा, मैं मजबूर कर दूंगा, मेरा प्यार मुझे चाहिए। आई लव लता, दैट्स ऑल। तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा, ऑल द बेस्ट। थैंक यू यार, थैंक यू। ऐसे क्या देख रहा है यार? शहर की आबो हवा कुछ बदली हुई लग रही है। देख मुझे लता से मिलने जाना है तो यहाँ शहर घूम लेना। यहाँ का रास्ता मुझे नहीं पता यार। अगर तू रास्ता भूल भी गया ना तो मेरा विजिटिंग कार्ड रास्ता बता देगा। ये क्या भाई, इसमें भी तूने अपना नाम चीनू ही रखा है? मेरा असली नाम मेरे खास दोस्तों के अलावा कोई नहीं जानता, इसलिए ऐसा किया। अच्छा चलता हूँ, बाय बाय।
आप लोगों में इंसानियत नहीं है? खड़े होकर तमाशा देख रहे हो? माजी, माजी, क्या हुआ? ऑटो, पेशेंट आपके रिश्तेदार हैं? मैं नहीं जानता वो बेचारी कौन है। एक्सीडेंट होने पर बीच सड़क में बेहोश हो गई। इस वक्त तो कैसी हैं डॉक्टर? अभी कुछ भी कहना बहुत ही जल्दबाजी हो जाएगी। ओके डॉक्टर, फिर मैं चलता हूँ। नो 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 नो, तुम ऐसे नहीं जा सकते। ये एक्सीडेंट केस है, पुलिस आने तक तुम्हें यहीं रहना होगा। पुलिस आने तक? ये आप क्या कह रहे हैं? किसी की हेल्प करो तो आप उसे पुलिस की इंक्वायरी में फंसाओगे? कूल कूल, सिर्फ उतना ही नहीं है, पेशेंट का कोई रिस्पॉन्सिबल पर्सन नहीं आया तो बिल भी तुम्हें ही भरना होगा। इसलिए सड़क पर कोई तड़प कर मरता है तो कोई मदद नहीं करता। बेचारी कौन है क्या पता। डॉक्टर, इस कार्ड में फोन नंबर और एड्रेस है, उन्हीं का होगा। ट्राई करके देखो। अच्छा मिस्टर, सुनो, मामला जरा प्यार से समझाना, हो सकता है सुनने वाला बर्दाश्त ना कर पाए। हेलो, राजलक्ष्मी जी का घर है ना? यस। आप उनकी क्या लगती हैं? आप कौन हैं? बताऊंगा तब भी आप नहीं पहचानोगी। आप राजलक्ष्मी जी की बेटी हो? पर आप उन्हें कैसे जानते हैं? मैं नहीं जानता। तो फिर तुम्हें क्या चाहिए? घर पे कोई और नहीं है क्या? नहीं है तो आपको ही बता देता हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो मैं समझ गई, स्टूपिड। व्हाट डू यू वांट? गुस्सा मत होइए, मैं जो कहूंगा आप सुनकर दुखी मत होना। तुम्हें जो कहना है जल्दी कहो, वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। अरे बाप रे, पुलिस को? देखिए, राजलक्ष्मी जी का एक्सीडेंट हो गया है, मेरे पास पैसा नहीं है इसलिए सिटी हॉस्पिटल में एडमिट किया है। आप आइए और देख लीजिए। हेलो, हेलो, डॉक्टर अब तो मैं जा सकता हूँ? नहीं, इन्हें पहले होश में आने दो। डॉक्टर, उनके घर वाले शायद पुलिस को साथ मिला रहे होंगे, मुझे जल्दी घर पहुंचना है। ठीक है, जाओ। मिस्टर, अपना फोन नंबर दो या फिर अपना एड्रेस देके जाओ। एड्रेस? क्या इनके ब्रांडेड कार्ड नहीं है? वहां से जरा कैंची देना। ये लीजिए डॉक्टर। हाँ, अब मैं चलता हूँ। ऑलराइट, ये लीजिए। Yes? वो मेरी आंटी हैं। Oh, don't worry. मामूली चोट आई है। इस वक्त जरा शॉक में हैं। She will be all right. एक्सीडेंट कैसे हुआ इसके बारे में कुछ पता है डॉक्टर? मुझे कैसे पता होगा बेटी? तो फिर आंटी को यहाँ लाकर एडमिट किसने किया डॉक्टर? अच्छा, वो जिसने तुम्हें फोन किया था उसने अपना कार्ड मुझे दिया है। Yes, ये उसका एड्रेस है। कार्ड देकर वो चला गया? हाँ। हो सकता है शायद ये एक्सीडेंट भी उसी ने किया हो। नो डाउट, उसकी बातों से ही मुझे शक हो रहा था। ऐसा नहीं लगता बेटी। क्यों नहीं हो सकता? All right, उस बारे में बात क्यों करें? Total time waste. तुम्हारी आंटी अब सेफ है, okay? यही खुशी की बात है। इतनी देर कहाँ रह गया था यार? हैदराबाद की सड़क पर बैठकर कुछ सोच रहा होगा, ये पूछने की बात है, इसका चेहरा ही बता रहा है। बैठो, खाना खा लो। मुझे भूख नहीं है। क्या हुआ तुझे? आज सड़क पर मैंने एक एक्सीडेंट देखा। एक्सीडेंट देखा? अब कहां पर? कॉम्प्लेक्स रोड पर। क्या यार, सारी भीड़ तमाशा देख रही थी, कोई भी मदद के लिए नहीं आया। मैंने हॉस्पिटल में भर्ती किया, वो कार वाला तो एक्सीडेंट करते ही भाग गया। कार वाला कार लेकर भाग गया? उस औरत की तरह कार वाले का भी एक्सीडेंट होगा। प्रसाद,
इतनी जल्दबाजी में श्राप क्यों दे रहा? हो सकता है वो मजबूरी में भागा हो। अगर वो वहाँ रुकता तो हो सकता था कि पब्लिक उसे मार डालती। जो गुनाह करता है उसे सजा मिलनी ही चाहिए, वो पागल हो जाए। जिस एम्बुलेंस में उसे ले जा रहे हो उसका एक्सीडेंट हो जाए, वो वही मर जाए। तो जरा अपना मुंह बंद रखेगा। मुझे तो शक हो रहा है, मैं उसको बोल रहा हूँ तो तुझे बुरा लग रहा है, कहीं तूने ही तो एक्सीडेंट नहीं किया? नहीं 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 नहीं, मैंने नहीं किया। इस वक्त वो कैसी है? घबराने की बात नहीं है। क्या मतलब? मतलब वो अभी खतरे से बाहर है। ओह शुक्रिया यार। क्या शुक्र है, मैं खुद फंस गया था। एड्रेस दिए बिना मुझे तो डॉक्टर वहाँ से हिलने ही नहीं दे रहा था। तू एड्रेस दे कर आया, केस ठोक दिया तो कोर्ट जाना पड़ेगा, जेल भी हो सकती है। जानता हूँ, इसलिए मैंने कुछ नहीं कहा। तेरा दिया हुआ कार्ड ही देकर। वेरी गुड वेरी गुड। क्या कहा? मेरा कार्ड देखा आया। चिनू फोन उठाओ। उठा लेना यार, देखने राम बात कर रहे हैं। जब से लड़कियों ने टिप देना बंद किया है मुझे फोन उठाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने उठाऊंगा, तुम उठाओ। हेलो, इज इट 359999? यस। मुझे मिस्टर चिनू से बात करनी है। हाँ क्यों बे, एक्सीडेंट करके घर में जाकर खुशियां मना रहा है? ओ एक्सीडेंट कैसे, मैं अभी चिनू जी को देता हूँ। ये ले तेरा फोन है। हेलो, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, केस ठोक कर जेल भिजवा दूंगी। हेलो 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 हेलो, क्या हुआ यार? ये तो मुझे मर्डर केस में फंसा देगी। तूने अपना एड्रेस देकर बहुत बड़ी भूल की। नहीं, लगता है मैं भी तेरे ऊपर केस ठोक दूं। करने वाला कर गया, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो? एक्सीडेंट करने वाले को लकवा मार दे। हाँ। जिस एम्बुलेंस में उसे ले जाए वो एम्बुलेंस खाई में गिर जाए, वो वही मर जाए। ये मेरा श्राप है उसके लिए। चुप हो जाओ। बोलो तुम इतने क्यों जल रहे हो? अब तुम्हें आंटी के लिए चिंता करने की जरूरत नहीं है, शी इज क्वाइट ऑलराइट। थैंक यू डॉक्टर, मैं चलता हूँ। उस गाड़ी वाले को आप देखोगी तो पहचान जाओगी आंटी। हाँ पहचान जाऊंगी। आपको हॉस्पिटल भी शायद उसी ने पहुंचाया था, उसे फोन पर मैंने बहुत खरी खोटी सुनाई। ये गलत है बेटी, एक्सीडेंट करने वाला भाग गया था। जब मैं रोड पर बेहोश थी तब उस बेचारे ने ही मुझे यहाँ लाकर एडमिट किया। सॉरी आंटी। तुम जाओ, सॉरी मुझे नहीं, जो मुझे हॉस्पिटल लेकर आया उसे कहो। इतना उदास क्यों लग रहा है? यार पता नहीं चला वो कौन से अपार्टमेंट में रहती है। तो किसी आस पड़ोस वालों से पूछ लेता। पूछा तो था लेकिन कुछ पता नहीं चला। हेलो हेलो, मिस्टर चिनू है? यस yes? मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ। हॉस्पिटल से बोल रही? एक मिनट रुके, ले तेरा फोन। हेलो, सॉरी चिनू जी, हॉस्पिटल में जब मैंने आंटी से पूछा तब मुझे पता चला कि एक्सीडेंट आपने नहीं किया था। सच्चाई पता चलने के बाद मैं अपने आप से बहुत शर्मिंदा हूँ। वेरी वेरी सॉरी, प्लीज कह दीजिए ना आपने माफ कर दिया। प्लीज, इट्स ऑल राइट, पास्ट इज पास्ट, लीव इट। ऐसे नहीं, आप शब्दों में कहिए ना आपने मुझे माफ कर दिया, प्लीज। ठीक है, माफ किया। आप हंस क्यों रही हैं? आपने गुस्से से ना कहकर प्यार से कहा, ये मुझे अच्छा लगा। ओके, आप एक बार फिर से मुस्कुराइए ना, मुस्कुराहट सुन के मुझे कुछ हो रहा है। क्या हो रहा है? आप एक बार फिर हंसी हैं। पर किस लिए? आपकी हंसी से दिल में हजारों ख्वाहिशें जग रही हैं। आप पागल हैं, मेरी हंसी में ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू। ये किस लिए? आपकी हंसी के लिए। ओके बाय, मैं फिर फोन करूंगी। आप सच कह रही हो? क्यों, आपको यकीन नहीं हो रहा? यकीन की बात नहीं, खुशी हो रही है। वो किस लिए? फिर से आपकी हंसी सुनने को मिलेगी। आप सच में करोगी ना? नहीं करना होता तो कहती क्यों, आपने मेरी आंटी की जान जो बचाई है। अच्छा अभी आंटी की तबीयत कैसी है? उस एक्सीडेंट की वजह से उन्हें थोड़ा शॉक लग गया था बस, नाउ शी इज फाइन। थैंक गॉड। इस बात के लिए थैंक्स गॉड को नहीं, आपको करना चाहिए। इतने लोगों में आपने आगे बढ़कर मेरी आंटी की हेल्प की। वैसे हमारी नजर में तो आप हीरो बन गए हो। तो फिर हीरो साहब, अब तो मैं आपको बार बार फोन करती रहूंगी। ओके बाय बाय। हे चिनू, ये ले, छोड़ रहने दे। उस लड़की को सच्चाई का पता चल गया। पता चल गया एक्सीडेंट किसने किया? नहीं, उसकी आंटी की जान मैंने बचाई, ये पता चल गया। और उसने सॉरी भी कहा यार। अच्छा ये बात है। चिनू, वो मुझे बहुत अच्छी लगी यार। ये तो देखने के बाद ही फैसला करेंगे। ए, उसका बोलने का अंदाज, उसकी हंसी बहुत ही प्यारी है। ए प्रसाद आया, इसे भी प्रेम रोग लग गया है। ये तो उड़ती हुई बात है भाई। उड़ती बात नहीं है, सच में हो गया। आंटी की जान बचाई और इसे प्रेम हो गया। आंटी की जान बचाई तो इसे प्यार हो गया। ऑलरेडी आंटी का हस्बैंड जिंदा है, वो क्या इसके लिए हॉस्पिटल में बेड नहीं बुक करेगा? सुन बे गधे, आंटी से प्यार नहीं हुआ है, आंटी की बेटी से हुआ है। ओहो, अरे मुझे उस लड़की से मिलना है, तू भी मेरे साथ हॉस्पिटल चल। हॉस्पिटल मैं नहीं जाता।
अरे तू मेरे साथ रहेगा तो मेरी हिम्मत बढ़ेगी, चलना यार प्लीज। एक्सीडेंट से अगर ब्रेन डैमेज हो गया तो मुझे देखते ही बोल देगी कि मैंने एक्सीडेंट किया था। अरे उसे होश आ गया, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो बात नहीं यार, लड़की से मिलना तो अकेले ही मिलना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होगा यार। तुम दोनों को लड़ाने वाला और एक्सीडेंट कराने वाला कमीने को कैंसर हो जाए और हार्ट अटैक से मर जाए, यही मेरा थोड़ा बंद कर। अगर तू इसका सच्चा दोस्त है तो तू भी जा। हां यार कुछ नहीं होगा, तू चल तो सही। चल कहां गया? अरे अरे सुन तो मैं अरे तू आ यार, क्या डर रहा है? पहले पता लगा वो लड़की कौन है और कहां है। मैं जब भी एक्सीडेंट को देखता हूं मुझे घबराहट होने लगती है। अरे यार तू यहां अकेला नहीं है, मैं भी तेरे साथ हूं। यार मैंने कहा ना मुझे घबराहट होती है। क्यों प्यारे, फिर किसी पेशेंट को लेकर आए हो क्या? वो मोहतरमा कैसी है ये देखने आया हूं। मोहतरमा? कौन सी मोहतरमा? वही सर, एक्सीडेंट वाली आंटी। अच्छा वो वाली, वो तो कल ही डिस्चार्ज हो गई। जान बचे लाखों पाए। जान बचे लाखों पाए, तुम मरने वाले थे क्या? ना, मैं नहीं, मेरे दोस्त जिसको बचाया था ना वो बच गए, मतलब जान बचे लाखों पाए। उनकी बेटी कितनी अच्छी है, घंटों बैठकर बात की थी उसने मेरे साथ, बहुत ही प्यारी बच्ची है, कितनी संस्कारी है। जिसको भी वो मिलेगी ना बहुत ही नसीब वाला होगा वो लड़का। कंग्रेचुलेशन यार, तेरी गर्लफ्रेंड तो एकदम सुपर है, कम ऑन। क्यों भाई, इसे उस आंटी से मिलाया ना? हमारे पहुंचने से पहले उसका डिस्चार्ज हो गया। तभी तो मैं कहूँ चीनू जी है क्या, चीनू जी है क्या, बार बार फोन क्यों आ रहा है? मुझे क्यों पूछ रही थी? उसने तुझे नहीं मुझे चीनू समझकर फोन किया होगा। उसे पता लग गया तूने एक्सीडेंट नहीं किया है, तो फिर अपना असली नाम बता दे। नहीं नहीं अभी बता दूंगा तो चीप लगेगा, उससे मुलाकात होने दे फिर बताऊंगा। फोन की घंटी बजने लगी, फिर से उसी मैडम का फोन होगा, उठाओ। कैसे कह सकते हो कि फोन उसी का है? सुबह से उस मैडम का फोन रिसीव कर करके मेरे कान पक गए हैं, इसीलिए मुझे पता है उसी का फोन होगा, फोन उठाओ। हेलो हेलो, आंटी को हॉस्पिटल से छुट्टी दे दी है, बस यही बताने के लिए मैंने आपको फोन कर दिया। मैं तुमसे मिलने हॉस्पिटल गया था। वहाँ गए थे तो फिर मेरा कॉल किसने रिसीव किया? जब मैंने उनसे आपके बारे में पूछा तो अजीब सा जवाब दे रहे थे। वो थोड़ा लूज है, उसकी बातों को बुरा मत मानना। आप भी कुछ उदास लग रहे हैं, क्या बात है? ये बताइए आपका नाम क्या है? थैंक यू। थैंक यू किस लिए? आपकी इस प्यारी हंसी के लिए। हमारी जान पहचान तो हो गई, लेकिन फिर भी हम एक दूसरे का नाम नहीं जानते। बताइए ना आपका नाम क्या है? ओहो, आपका नाम मुस्कान है या हंसी है? स्टॉप, मेरा नाम है हेमा। हेमा? मेरे फ्रेंड्स मुझे इसी नाम से जानते हैं। मुझे उससे कोई मतलब नहीं, आपका ये खूबसूरत नाम मुझे बहुत पसंद आया। थैंक यू। ठीक है अब फोन रखती हूँ। कहाँ तक पहुँची तेरी गाड़ी? अभी तो अपना नाम बताया है, हेमा है। ये तो मामूली बात है, इसके अलावा उसने क्या क्या कहा ये तो बताओ। तो अपनी चोंच बंद नहीं रख सकता क्या? मतलब इसे अकेले ही सफर करने देंगे क्या? ए सुन, हेमा को फोन लगा। यार वो कुछ गलत समझेगी रे। अगर उसने प्यार से बात की मतलब ग्रीन सिग्नल, और गुस्से में बात की तो रेड सिग्नल। दोनों का मिश्रण करके कॉकटेल बात करेगी तो येलो सिग्नल। गधे तू फोन लगा। हेलो हेलो, बात कर रही है, इट्स मी। आपने इस तरह से फोन किया तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आपको क्यों अच्छा लगा? क्यों नहीं, आपकी आवाज तो सुनने मिली। ऐसा क्या, कुछ बात कीजिए ना। क्या कहूँ? कुछ भी कहिए, आपकी आवाज सुनता हूँ तो मेरे दिल को सुकून मिलता है। वो सब तो ठीक है, आप हॉस्पिटल क्यों गए थे? आंटी से मिलने के लिए ही ना। टू बी फ्रैंक, आपसे मिलना चाहता था। पर क्यों? बस ऐसे ही मिलना चाहता था। मुझे भी आपसे एक बार मिलना है। कैसे मिलेंगे, आप अपना एड्रेस बताइए ना। नहीं नहीं, मेरी आंटी मेरी खाल उधर देगी। तो फिर हम कहाँ मिल सकते हैं? एक काम करते हैं, कल सुबह 10 बजे बंजारा हिल बस स्टॉप पर मिलते हैं। बंजारा हिल बस स्टॉप पर? ओके। अच्छा पर आप मुझे पहचानेंगी कैसे? आप बहुत ही खूबसूरत होंगी इसलिए पहचान लूंगा। ये आपसे किसने कहा? वो डॉक्टर साहब ने बताया। तो फिर कल मैं व्हाइट कलर का चूड़ीदार पहनकर बंजारा हिल बस स्टॉप पर मिलूंगी। ओके ओके बाय बाय। यार कुछ कहने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ समझ गया हूँ। तुम एक दूसरे से मिलोगे तो तुम्हारी प्यार की गाड़ी दौड़ने लगेगी। मैं डायरेक्ट मिल चुका हूँ, मेरा कोई ठिकाना ही नहीं है। तुम कुछ भी कहोगे इसके ऊपर से जाएगा, प्यार की नाव में हिचकोले खा रहा है भाई। देखते हैं इसका अजनबी लड़की से प्यार कहाँ तक जाता है, और देखिए लड़की का प्यार मुझे कब मिलता है। और मेरा कोई तीसरी आ गई तो तेरा नंबर भी लग जाएगा बेटा। मेरी
लाइफ में ऐसा ही क्यों होता है भाई? तेरी वाली अभी तक आई नहीं क्या? नहीं आई यार। करेक्ट टाइम पर कोई नहीं आता, ऐसा क्यों होता है? जो लड़कियों के लिए इंतजार करते रहते हैं लड़कियां भी उन्हीं से प्यार करती हैं। एक बार उससे मुलाकात हो जाए तो तुझे मैं डिस्टर्ब नहीं करूंगा। दिमाग का दही करने के बजाय तू सीधा टॉपिक पर आ जाओ। ओके ओके। वो कौन सी ड्रेस में आने वाली है? व्हाइट चूड़ीदार में आने वाली है। उसने बंजारा हिल बस स्टॉप पर आने के लिए कहा था? हाँ यार, बंजारा हिल में बहुत सारे बस स्टॉप हैं, मेन स्टॉप पे आने के लिए कहा होगा। ओहो, सुन, बंजारा हिल का मेन बस स्टॉप यही है, तो यहीं पर वेट कर। ठीक है, थैंक्स यार। करण जिससे प्यार करता है हाँ? वो और कोई नहीं, मेरी लता है। तुम्हें कैसे पता चला? बस स्टॉप पर मिलने आई थी उससे। ये क्या यार, एक ही लड़की के दो दो नाम? हेमा और लता अलग अलग लड़की नहीं है, एक ही है। तो अब क्या होगा? मैंने दोनों को गौर से देखा है, मुझे कुछ करना होगा। मैं जानता हूँ लता करण को फोन करेगी, तू वही करेगा जो मैं कहूंगा। ये क्या मामला है यार, लता को तुम अपने प्यार के बारे में बता दो ना। अभी नहीं। अभी क्यों नहीं? लता की आंटी का एक्सीडेंट मेरी कार से हुआ था, अगर उनको पता चल गया तो लता मुझसे प्यार के बजाय नफरत करने लगेगी। तो फिर अब क्या करें? चाहे कुछ भी हो जाए, लता मुझे चाहिए। लता और उसका प्यार दोनों मुझे चाहिए, और मैं उसे पाकर ही रहूंगा, चाहे इसके लिए कुछ भी कीमत चुकानी पड़े। मैं तब तक शांति से नहीं बैठूंगा। That's all. Oh,
माँ कहाँ खोई हो? मैं खोई हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं जानती हूँ बेटी। जानती हूँ। दादाजी के बिना तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा है ना? दो दिन बाद हम दोनों गांव जाएंगे, तू फिक्र मत कर बेटी। चल मैं ऑफिस जाती हूँ। इस तरह उदास क्यों बैठा यार? बस स्टॉप पर मैंने उसका कितना इंतजार किया लेकिन वो आई नहीं। मैं जानता था वो नहीं आएगी। वो कैसे यार? आजकल की लड़कियाँ ऐसे ही होती हैं यार। सुन करण, इस शहर की हर लड़की ऐसी है, बहुत फास्ट है, किसी को भी उल्लू बना सकती है। इनसे दूर रहने में ही भलाई है, वादा एक से करेगी और दोस्ती दूसरे से ही इनकी फितरत है। नहीं यार, हेमा उस टाइप की लड़कियों में से नहीं है। सोचता हूँ एक बार उसे फोन कर लूँ। फोन करेगा तो मुंह की खानी पड़ेगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, हो सकता है उसे कोई प्रॉब्लम हो गई हो। ये भी हो सकता है। अरे बाप रे! ऐसा कुछ भी नहीं है, चीनू जो कह रहा है वही सही है। ए, कितना डल दिख रहा है तू, जा फ्रेश हो ले। अब तेरा काम बन गया। हेलो। हेलो, मैं हेमा बोल रही हूँ। बेवकूफ बनाने के लिए मैं ही मिला था। मैंने बेवकूफ बनाया? बस स्टॉप पर मैं सुबह से शाम तक इंतजार कर रहा था, अभी आओगी सोचकर वहीं खड़ा रहा, लेकिन तुम आई नहीं। कैसे हो सकता है, मैं भी तो वहाँ आई थी। आई थी? आपका बहुत देर तक इंतजार करने के बाद वहाँ से लौट आई। ये कैसे हो सकता है, मैं भी आया था, आप भी आई थी, मुलाकात क्यों नहीं हुई? वैसे आप बंजारा हिल बस स्टॉप पर ही आए थे ना? और क्या, मेन बस स्टॉप आप जानती है ना, वहीं पर वेट कर रहा था। अरे बंजारा हिल में एक ही बस स्टॉप है, मैंने आपको वहीं वेट करने के लिए कहा था। हेलो, क्या बात है, मुझसे गुस्सा हो क्या? जो गुस्सा था वो गायब हो गया। थैंक्स। तो इस बार कोई गड़बड़ नहीं, हम लोग कल शाम को ठीक 4 बजे संजय गांधी पार्क में मिलते हैं। ओके ओके, ये बताइए कितने बजे? कल शाम ठीक 4 बजे। कहाँ मिलने वाले हैं? संजय गांधी पार्क में। पार्क में आप कहाँ वेट करेंगे? मैं शहर में नया हूँ, कहाँ वेट करना है ये आप ही बताइए। सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू के पास। सुभाष चंद्र बोस स्टैचू के पास? ओके। अच्छा मैं आपको कैसे पहचानूंगा? मैं येलो ड्रेस पहनकर ग्रीन कलर की मारुति जेन में आऊंगी। येलो ड्रेस और ग्रीन मारुति जेन, ठीक कहा ना? तो हम दोनों कल शाम को मिलते हैं। श्योर। बाय बाय। यस। थैंक्स। क्यों बे, हेमा नहीं आई? अब तक नहीं आई। धोखा, वो कभी नहीं आएगी। नहीं, देखना वो जरूर आएगी। आई तो ठीक है, और नहीं आई तो कहीं तू मेंटल ना हो जाए, इसका टेंशन है मुझे। अरे कार आ गई यार। इतनी सारी लड़कियां और सभी लड़कियां येलो ड्रेस पहनकर ही आई हैं। ये लड़कियों की चाल होती है बेटा। इनमें से कौन है जाकर उसे देखें क्या? जाके देख ले, जा पूछ ले। हाय हेमा। हेमा, वही फोन पे हमारी दोस्ती हुई थी मुझसे। चिनू, ए क्या हुआ यार? थप्पड़ पड़ा यार। अगर ऐसी हरकत करेगा तो थप्पड़ तो पड़ेगा ही ना। फिर ये लोग कौन हो सकती हैं? हेमा की फ्रेंड होगी, और हेमा कार में बैठकर तुझे थप्पड़ खाते हुए देख रही होगी। सुन करण, तो आज के बाद हेमा का फोन नहीं उठाएगा, और अगर उसका फोन आया तो बोलना तू उसे प्यार नहीं करता। चल मेरे साथ।
ये सब क्या हो रहा है? आजकल की लड़कियों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, लेकिन वो ऐसी उसे भूल जा। चल यार। हेलो हेलो, चीनू जी हैं क्या? रॉन्ग नंबर। पुलिस स्टेशन है क्या? पूछ रहे थे। क्या बात है, आजकल रॉन्ग नंबर बता रहे हैं? रॉन्ग साइड में जाओगे तो हमेशा रॉन्ग कॉल ही आएगा ना। तू ऐसे क्यों बैठा है? मेरा पीने का मूड नहीं है। मूड तो तुम्हें बनाना पड़ेगा भाई, ऐसे तो तुम्हारी जिंदगी में और कई झटके आएंगे। क्या बात है यार, अब तक उसका फोन ही नहीं आया। चल मैं ही फोन करके देखता हूँ। नहीं 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 नहीं, क्यों? देख, जो बात आगे नहीं बढ़ सकती उसे खत्म कर देना चाहिए। वो तुझे बंदर की तरह नचा रही और तू नाच रहा है यार, भूल जा उसे। फॉरगेट हर। फोन नहीं है, डोर बेल बज रही है, मैं देख कर आता हूँ। उस दिन तो मुझे देखकर भाग गए थे, क्या तकलीफ थी तुम्हें? जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है। ये कौन है जानते हो? नहीं जानता। छोटे नायडू के पिताजी। छोटे नायडू कौन है? वही तो जिसका चमचा है। अच्छा तो छोड़िए, मैं उन्हें बुलाता हूँ। अरे बाप रे, चिनू छोटे नायडू से मिलने बड़े नायडू आए हैं। पता नहीं अब क्या होने वाला है। बाप रे, मर गया यार। तू इतना टेंशन क्यों ले रहा है? तू मेरे साथ रह रहा है ना, घबरा मत, चल देखते हैं। चलो चलो, मैं थोड़ा मूड बनाकर तुम्हारे पीछे आता हूँ। तुम लोग यहाँ क्या गोल खिला रहे हो? मार खाने के सिवा कुछ नहीं। क्या यार, मैंने सच कहा तो तूने मुझे मारा। आप ही पूछिए। क्यों रे, तू इनके घर में रहने क्यों नहीं गया? अर्जेंट काम है बोलकर भाग क्यों आया? अरे तुम किससे बात कर रहे हो? हमारे लड़के से। ये मेरा लड़का नहीं है, ये है। तो ये किसका लड़का? ये अपने बाप का लड़का है। धोखा, दगा, फरेब। इसमें हमारी क्या गलती है? मेरे दोस्त का लड़का ये कहकर आप ही मुझे घसीट रहे थे ना इस मामले में। क्या गुड़ गोबर चल रहा है? तुम्हारा लड़का ये है, जबकि मैं इसे समझ बैठा। इसने मेरी लड़की को नहीं देखा। मैं सोच रहा था कि यही तुम्हारा बेटा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कौन किसका लड़का है। बहुत कंफ्यूज हो, तुम अपने घर जाओ, मैं अपने लड़के को समझा कर लाता हूँ, तुम जाओ। लेकिन इसे साथ में मत लाना। मैं इसे साथ क्यों लाऊंगा? लेकिन ये प्यार का मामला है। करेक्ट। मैं तुझे इतनी दूर से लेने आया हूँ। मैं नहीं आऊंगा। नहीं आएगा तो ये पी के राव है ना, ये अपनी लड़की की शादी तुझसे करवा देगा। सुन, तू यहाँ रहेगा तो प्रॉब्लम और बढ़ेगा। मेरे से यहाँ किसको प्रॉब्लम है यार? तेरी वजह से हमें प्रॉब्लम हो सकती है। तेरी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है। अगर तू गांव चला जाएगा तो फोन वाली सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। ये फोन की कैसी प्रॉब्लम है? वो है ना, मर गया। कौन मर गया? शिफ्टिंग की बड़ी प्रॉब्लम है। जहाँ प्रॉब्लम है वहाँ रहने की जरूरत नहीं है। गांव में अच्छी लड़की से रिश्ता तय किया, शादी करके वापस शहर आ जाना। अंकल, आप अपने वचन पर पूरी तरह कायम रहना, इसकी शादी करवाई देना। मैं नहीं आऊंगा और लड़की भी नहीं देखूंगा। कैसे नहीं आएगा, मैं भी देखता हूँ।
चल मुझे नहीं आना पापा, मुझे नहीं आना। चल किसे मिलने नहीं आना। चल मैं नहीं आऊंगा पापा। चल यार, चल मुझे नहीं आऊंगा। अरे मुझे सुन, मैं नहीं आना चाहता पापा, प्लीज। अंकल छोड़िए, क्या कर रहे हैं आप लोग, जरा शांत हो जाइए। अंकल झगड़े से फायदा नहीं, सब शांति से निपटाया जा सकता है। आपको इसे गाँव ले जाना है ना, इसे गाँव ले जाने की जिम्मेदारी अब मुझ पर है। तुम कहते हो तो जाता हूँ। इसमें उस लड़की की फोटो है, उसे दिखा देना। ए, देखने के बाद भी तूने उस लड़की के गले में मंगलसूत्र नहीं बांधा तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सब समझ गए, यही दुनिया का दस्तूर है। आप जाइए महाप्रभु। करण, बुजुर्ग हमारी भलाई सोचते हैं, उनका काम आ ले तेरे लिए भी अच्छा है और मेरे लिए भी। तेरे लिए क्या अच्छा है? देख, मैं तेरा दोस्त नहीं हूँ क्या, तो मेरे लिए अच्छा होगा ही ना। नो, हेमा के सिवा मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। सुन, ना तो तूने उसे देखा और ना ही मिला, और फिर भी इस तरह का पागलपन किया जा रहा है। मैं तो कह रहा हूँ कि भूल जाओ उसे। हेमा को आंखों से नहीं देखा लेकिन वो मेरे मन में है। हेमा को भुलाना उतना आसान नहीं है। सुन, मैंने तेरे पिता से वादा किया है तुझे घर पहुंचाने का। ये फोटो देख ले एक बार। तो बिल्कुल सही सोच रहा है, ये बुजुर्ग अपनी जिद पूरी करने के लिए हमारी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। तुमने इतनी जल्दी रंग कैसे बदल दिया यार? ये लड़की मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रही है, इसके चेहरे से नजर आ रहा है। जरा मुझे भी दिखाओ तो। अरे इतनी सुंदर लड़की है, तुम ऐसे क्यों कह रहे हो? ये तो बिल्कुल स्वर्ग की अप्सरा की तरह लग रही है। जरा धीरे बोलना। क्यों? यही है लता। जरा ठीक से देखकर बता मुझे। छोटी आंखें, लंबी नाक, बड़े बड़े कान, बिल्कुल डायन लग रही है। ए करण, तेरे पिताजी कितने भी खिलाफ हो, तू उसी से शादी करना जिससे प्यार करता है। कभी ये मत करो कह रहा है, कभी वो मत करो कह रहा है, तुझे हो क्या गया यार? जिंदगी में ऐसे खेल होते रहते हैं। प्यार की खातिर, जिससे प्यार हो उस लड़की के खातिर लोग अपनी जान कुर्बान कर देते हैं। इसी पल से तेरा हर कदम उस लड़की को पाने के लिए होगा, तभी तेरी जीत होगी। लेकिन अब कैसे होगा? तेरे पिताजी गांव की उस लड़की से तेरी शादी करना चाहते हैं ना, उसे रोकने का यही तरीका है। थैंक्स यार। क्या हो गया है बेटी? लगता है किसी गहरी सोच में हो। आंटी, मुझे अभी शादी नहीं करनी, आप दादाजी को समझाती क्यों नहीं? तेरी शादी कल थोड़ी ही है, इतना क्यों सोचती हो? पहले एक दूसरे को तुम जान लो, पहचान लो, फिर जाके बात आगे बढ़ेगी ना। मैं इस वक्त शादी करने के मूड में नहीं हूँ, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। अरे बेटी, शादी ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं है। मैं ऑफिस के इंस्पेक्शन में बिजी हूँ, लड़के को देखने का फैसला मैं तुम पर छोड़ती हूँ। लड़का पसंद है तो बात आगे बढ़ेगी, दादाजी से मैं खुद बात करूंगी। हेलो। हेलो, चिनू जी हैं क्या? रॉन्ग नंबर। किसका फोन था? मेरा। अरे यार, उसका फोन आएगा नहीं, तू पूछना छोड़ेगा नहीं, यही जिंदगी की पहली है। मुझे एक फोन करना है, बाजू हट। अरे मैं कब तक रॉन्ग नंबर कहता रहूंगा यार? जब तक लता करण को फोन करना बंद नहीं करती, समझ गया ना? आंटी, फोन की घंटी बज रही है, मेरी फ्रेंड का होगा, मैं भी आती हूँ। हाँ जल्दी आना। रखना फोन। हमें झुकना नहीं चाहिए, अगर कमजोर लगे सर पे चढ़ जाएगी, स्ट्रांग रहे छोड़ के भाग जाएगी। अच्छा तू ये सब मत सोच, भूल जाओ से। चल चल, ट्रेन का टाइम हो रहा है यार। हेमा, हेमा, ट्रेन का टाइम हो रहा है, छूट जाएगी। आंटी बस एक मिनट, मुझे अपने फ्रेंड से बात करनी है। गांव जा रहे हैं ना, वहीं से बात कर लेना। चल 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 चल। ए, हेमा से बात किए बिना मैं गांव नहीं जाऊंगा। ए प्रसाद, हेमा फोन करती तो घंटी बजती ना? हाँ बजती। तू चुप कर यार। ओके। जल्दी बैठ यार। करने से मिलेगा नहीं, किस्मत में होगा तो रुकेगा नहीं। बैटरी खराब हो
होने के कारण सारी ट्रेन आधा घंटा लेट आ रही है। एक बार फोन लगाकर देख लेता हूँ। ठीक है, एक बार कोशिश कर ले। रास्ते में पटरी खराब होने के कारण सारी ट्रेन आधे से एक घंटा देरी से चल रही है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, सारी ट्रेन आधे से एक घंटा देरी से चल रही है। रास्ते में पटरी खराब होने के कारण सारी ट्रेन आधे से एक घंटा देरी से चल रही है। Your attention please. यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रास्ते में पटरी खराब होने के कारण सारी ट्रेन आधे से एक घंटा देरी से चल रही है। नहीं, सब लोग कहां चले गए होंगे? क्या है ये? जब देखो टीवी सीरियल की हीरोइन की तरह अपनी आंखों से आंसू बहाती रहती हो। आईने में सूरत तो देखो कैसी हो गई है। वो चंद्र नायडू शहर गया हुआ है, हो सकता है करण को साथ लेकर आए। एक बार उसे आने दो, उसको किडनैप करके उससे तुम्हारी शादी करवा दूंगा। बाबूजी, मेरी बात तो सुनिए। कुछ नहीं सुनना। जब तक उस चंद्र नायडू के बेटे से मैं तुम्हारी शादी नहीं करवा दूंगा, किसी की भी कोई बात नहीं सुनूंगा। कौन हो भाई? बोल बच्चन भाई। और आप कौन हो? मैं बटला ब्रदर्स। ओहो, मैंने ही तो बुलाया था। अरे अगर तुम लोग खबर कर देते तो मैं रेलवे स्टेशन आदमी भेज देता। अपन जैसे गुंडे रावड़ी लोग रेलवे का इंतजार नहीं करते हैं, इसलिए अपने साथ टाटा सुमो लाया हूं। अरे यहाँ पर भी कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है भाई, मेरी बेटी की शादी में एक बहुत बड़ा युद्ध होगा। पाकिस्तान वालों के साथ हो रहा है क्या सर? नहीं, पड़ोसी के साथ। कोई बात नहीं, कारगिल की जंग हमने देखी है, वैसे ही लड़ेंगे। पहले पेट पूजा कराओ। पेट पूजा? तुम्हारे जैसे लोगों के कारण ही इस देश में अनाज की कमी है। सुनो, मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए नहीं बुलाया कि तुम लोग पेट पूजा करो और बिस्तर तोड़ो, मैंने तुम्हें यहाँ काम के लिए बुलाया। अरे आप चिंता मत करो साहब, जो भी हमारे सामने आएगा काट कर रख देंगे। हाँ, इसी काम के लिए मैंने तुम लोगों को बुलाया है। वैसे जो इज्जत देगा उसकी जान बचाने की भी सोचना। ठीक है, ये कैसी आवाज निकाल रहा है? अभी तक मेरे आदमी लोग कोई खबर लेकर क्यों नहीं आए? रुके रुके, आप बटला ब्रदर्स हैं क्या? आगे बढ़ना भाई। रुके रुके, आप बटला ब्रदर्स हैं क्या? बाजू हट। अरे वो देख पापा। मालिक। नमस्कार अंकल। आ जाओ बेटा, जैसा तुमने वादा किया था वैसे तुम मेरे बेटे को लेकर आए, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके आने से मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया अंकल। है? तुम्हारी क्या प्रॉब्लम थी? इसकी शादी हो जाएगी तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी ना। हे देख, तेरे आने की खबर गांव में पता नहीं लगनी चाहिए, अगर सीनू को खबर लगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो गांव में आने के लिए डायरेक्ट रास्ता मत चुनना, बाहर से घूम कर आना। पापा आप क्यों इतना घबरा रहे हो? मैं घबरा नहीं रहा हूँ, डर रहा हूँ। चला चल, जल्दी कर, चल तू बैठ। नायडू साहब, ये दुनिया बहुत छोटी है। अरे तुम चीटी होकर इतना घमंड कर सकते हो, तो मैं तो हाथी हूँ। देख लेना कैसे मैं तेरे बेटे को यहाँ से तेरी आंखों के सामने उठा कर ले जाता हूँ। ये सारा इंतजाम मेरा ही है। अब तू मेरा मुंह क्या देख रहा है? अपने लड़के को गाड़ी से निकाल। मेरा लड़का तो गाड़ी में है ही नहीं। उल्लू बना रहा है। देखा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है। जाओ उसके लड़के को गाड़ी से निकालो। Hey, कौन हो तुम लोग? छोड़ो मुझे, छोड़ो।
क्या करें? अंकल कौन है लोग? अरे इसका नाम श्रीनिवास है, ये अपने आप को इस गांव का शेर समझता है लेकिन है यहाँ का सबसे छोटा चूहा। ऊपर से दहाड़ता जरूर है लेकिन अंदर से डरपोक है। मेरी बेटी को अपनी बहू बना लो ये बोल के पीछे पड़वाइए, इससे डरने की क्या जरूरत। पूरी गाड़ी की तलाशी लो। गाड़ी में ड्राइवर के सिवा कोई नहीं है सर। ए, क्या कर रहा है वो? को गुड्डा जो मैं इसे छुपा कर लाऊंगा। चल हाथ रख, चल हटो रे, चल बेटा। वहां तो मैंने देखा था। उसे तो मैंने अपनी आंखों से देखा था, फिर गायब कैसे हो गया? हाँ पता चल गया। क्या पता चल गया? वो फिल्म एक बार और दिखाइए। मैं याद करना चाहता हूँ, आप थप्पड़ मार रहे हैं। फिल्म देखूंगा तो सब याद आ जाएगा। पक्का कंप्यूटर का कमाल है। मैं फिर से कहता हूँ, चंद्रा नायडू अपने लड़के को इसी गांव में लेकर आया हुआ है, पक्का। तुम सच कह रहे हो? बिल्कुल सच। मेरी आंखों के सामने ट्रेन से उतरा, बाहर निकला, गाड़ी में बैठा। सच में? बिल्कुल, ऐसा ही सीन तो उस फिल्म में भी है। चिंता मत कीजिए, चलिए। चीनू, मेरे पापा उसी लड़की से शादी करने के लिए जोर दे रहे हैं, अब क्या करूं यार? जो टेंशन तुझे है वही मुझे भी है। तुझे ऐसी कौन सी टेंशन है? अगर तुझे लड़की पसंद आ गई तो? नेवर यार चिनू, मैं हेमा से प्यार करता हूँ, उसके अलावा कोई पर भी आ जाए तो भी मायने नहीं रखती यार। किसी भी तरह तू ही शादी को रोक सकता है मेरे दोस्त। तो चाहता मैं शादी को रोक दूं ना? मैं रोक दूंगा, उसके लिए मैंने कुछ सोचा है। क्या कहा? तू ये शादी नहीं करेगा? लेकिन क्यों नहीं करेगा? एक मिनट अंकल, आप अपना काम जारी रखिए, इसकी बात पर ध्यान मत दीजिए। तुम क्या कर रहे हो? तुम इसके सपोर्ट में हो या मेरे सपोर्ट में हो? सुन नालायक, अगर किसी से प्यार करता है तो पहले ही बता दे मुझे, मेरी नाक मत कटवा, चल जा यहाँ से। अरे अरे अरे, इस तरह से जवान बच्चे पर चिल्ला क्यों रहे हैं? अगर वो शादी नहीं करना चाहता है तो भले ना करे। तू मुझे गुस्सा मत दिला, अगर तू भी उसका साथ देगी तो घर से बाहर निकल। ये क्या अंकल, आप हमेशा से ऐसे ही हैं? तो और क्या, शादी रोक दू क्या? उसने अपनी पसंद चुन ली है। चुन ली है? कब, कहाँ और कैसे? वही फोटो, फोटो देखकर। फोटो तो मैंने तेरे हाथ में दी थी ना, तो उसने कैसे देखा? चल आप बता। रुक जाइए, मैं ड्रेस चेंज करके आता हूँ। क्या पता, लता की आंटी ने अगर मुझे पहचान लिया तो सारा प्लान चौपट। तुम नहीं चलोगे क्या? हाँ मैं यही रुकता हूँ अंकल। ऐसा क्यों? मुझे दिखावा पसंद नहीं है। आहा, कुछ लोगों को बस का सफर पसंद नहीं है, कुछ लोगों को सेंट पसंद नहीं है, और तुम्हें दिखावा पसंद नहीं है। चलो आओ बाहर आओ। लगता है दाल नहीं गलने देगा। अरे क्या कर रहे हो, जल्दी बाहर निकलो। अंकल ये देखो मेरा पैंट फटा हुआ, मुझे शर्म आ रही है। हाँ ये लो। अब चलो चलो। एक मिनट रुको। ये देवानंद स्टाइल क्या बनाई है तुम? अंकल आप अपने बेटे का रिश्ता लेकर जाना है ना, अगर लड़की वालों ने मुझे पसंद कर लिया तो क्या होगा? हाँ सही किया, सही किया। चलो नमस्ते नमस्ते नमस्कार। इनसे मिलिए, ये मेरा बड़ा लड़का है रवि, बैंक मैनेजर है, और ये इसकी पत्नी है। नमस्ते। और ये मेरा मझला बेटा है प्रताप। नमस्कार। इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस, इसकी पत्नी वो है। नमस्ते। मेरी पत्नी राजलक्ष्मी हैदराबाद से आती ही होगी, मैंने उसके लिए गाड़ी भी भिजवा दी है। हेमलता वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त की पोती है, लेकिन अब वो मेरी पोती है क्योंकि उसके पूरे परिवार की मृत्यु एक एक्सीडेंट में हो गई थी, इसीलिए मेरे बड़े बेटे रवि ने उसे गोद ले लिया। ये मेरा इकलौता सपूत करण है, और ये मेरी इकलौती धर्म पत्नी सावित्री है। आप मजाक अच्छी करते हो, अरे हर किसी की पत्नी इकलौती ही होती है। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये साहब कौन है? कौन ये? ये मेरे सुपुत्र का इकलौता दोस्त है। नमस्ते जी। चलिए आइए बैठिए। मुझे शादी नहीं करनी, मैं भाग जाऊंगी। भागोगी तो दुनिया तुम पर शक करेगी, तुम हैदराबाद भी नहीं जा सकती। इस वक्त खामोश हो जाओ, आगे क्या करना है सोचेंगे। ए, लड़की आ रही है। ए, इस लड़की को अब मैं क्या बताऊं? कह दे लड़की से मुझे अकेले बात करनी है। अरे लड़की से क्या बात करूंगा यार, उससे कहना मैं किसी और से प्यार करता हूँ।
इसलिए तुमसे शादी नहीं कर सकता। अकेले में ये बात चुपके से कह देना। गुड आइडिया। ए, क्या खुसर खुसर कर रहे हो? लड़की को देखो ना। अब तुम अंदर जाओ बेटा। अब शादी की तारीख तय करने की बात कर लें। ठीक पापा, मुझे लड़की से अकेले में कुछ बात करनी है। तुझे क्या बात करनी है? भाई साहब, आजकल के जमाने में ये सब आम बात है। तुम जाओ बेटा। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। मेरी बात तो सुन, तेरी जिंदगी का सवाल है। जिसे तूने अभी तक देखा तक नहीं, उसके लिए इतना अच्छा रिश्ता ठुकरा रही है। एक दूसरे को देख कर पसंद करके जो प्यार करते हैं वो प्यार नहीं होता। मैंने मन की आंखों से उन्हें देखा है। उनके सिवा मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। तो अब तू क्या करेगी? मैं क्या करूं, मुझे कुछ नहीं सूझ रहा। तू ही कोई आइडिया देना। जिस लड़के से तेरी शादी तय होने जा रही है उसे सारी सच्चाई बता दे। पता चलने के बाद कोई भी लड़का दूसरे का प्यार अपने गले में बांधना नहीं चाहेगा। मुझ में हिम्मत नहीं है, तू ही जाकर उससे बात करना। ठीक है। देखिए, मैं बिना देखे एक लड़की से प्यार कर बैठा हूँ, इसीलिए मैं आज ये सच्चाई आपको बता रहा हूँ। मैं ये शादी नहीं कर सकता, प्लीज। आपकी शादी की बात मुझसे नहीं, मेरी सहेली से चल रही है। ये बात मुझे आपसे कहने के लिए मुझे यहाँ भेजा है। ऐसी बात है? थैंक्स। यस। ए चिनो, चलना। क्या तू चल, तो बताता हूँ। चल आजा। बता ना। बच्चों की हंसी से जवाब मिल गया। आने वाले गुरुवार को अच्छा मुहूर्त। अरे अरे भाई साहब, उससे पहले का मुहूर्त निकलवाइए, वरना मेरा लड़का पागल हो जाएगा और आपके घर में आकर खटराई बनकर खुश बैठेगा। क्या बात यार, बहुत खुश लग रहा है तू? वो लड़की तो मुझे बहुत अच्छी लगी। जो बात मैं उसे कहने के लिए गया था, वही बात कहने के लिए उसने अपनी सहेली को भेजा था। वो भी मेरी तरह किसी और से प्यार करती है। अच्छा? हाँ यार। अब उसने बताया वो किसे प्यार करती? ना उसने कहा ना मैंने उसे पूछा। हमारा प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गया। अब चल। हम लोग चलते हैं भाई। हाँ, नमस्ते। नमस्ते। चलता हूँ भाई साहब। चलता हूँ बहन जी। ये लो, तुम्हारी माँ भी आ गई। क्यों, लड़के वाले आए थे क्या? अरे आए भी, लड़की को पसंद भी किया और चले भी गए। हे भगवान, ट्रेन लेट थी इसलिए पहुँच नहीं पाई। लड़का कैसा है दिखने में? शादी के दिन तुम खुद ही देख लेना। चलो आओ। ये तू क्या बकवास कर रहा है? जिस लड़के से तेरी शादी तय करी वो किसी और से प्यार करती है? हाँ पापा। मैं नहीं मानता। विश्वास नहीं तो खुद जाकर पूछो, उसी ने बताया मुझे। किसी और के प्यार को आप इसके गले में बांधना चाहते हैं? सवाल ही पैदा नहीं होता। वो जिस लड़की से प्यार करता है उसी के सामने मैं उसकी नाक रगड़वाऊंगा। मजले, तूने उस लड़की के बारे में तहकीकात की क्या? वो पाताल में भी होगा तो मैं उसे ढूंढ निकालूंगा। कुछ भी हो जाए, मैं उस घर में रिश्ता नहीं करूंगा। और तुम में से किसी ने भी उनका नाम लिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे लड़के की मैं उसी मुहूर्त में शादी करवाऊंगा। मैं खुद उसके पास जाऊंगा और उसकी औकात बता दूंगा। नायडू साहब, मेरे वंश का रुतबा क्या है तुम्हें पता है? ओ, सारा रुतबा खुलकर मेरे सामने आ गया है। वो तो है, लेकिन तेरा नीच लड़का किसी और से प्यार करता है। मेरा लड़का किसी से प्यार व्यार नहीं करता, तेरी पोती किसी और से प्यार करती है। मेरी पोती? हाँ। मेरी पोती कभी ऐसी हरकत नहीं करेगी। सुनो महाशय, देखो अगर वो प्यार नहीं करती तो फिर ये शादी रोकने के लिए मेरे लड़के से तुम्हारी पोती अपने प्यार की दास्तान क्यों सुनाती? क्या कहा? अरे तुम्हारे लड़के ने मेरी पोती से कहा कि वो किसी और से प्यार करता है। मेरा लड़का किसी और लड़की से प्यार करता है, ऐसा मेरे लड़के ने आपकी पोती से कहा? मेरी पोती किसी और लड़के से प्यार करती है, ऐसा आपके लड़के से कहा? अरे शादी को रोकने के लिए उन्होंने हमें बेवकूफ बनाया है। अरे मैंने भी अपनी पोती की बातों में आकर ना जाने आपको क्या क्या भला बुरा कह दिया। ये बात है। अब मेरे बात समझ में आ गई। उन दोनों ने मिलकर पूरे प्लान के साथ ही खेल खेला। करेक्ट। बच्चों की बातों में बेवकूफ बनकर हम बड़े आपस में लड़ने चले थे।
भाई साहब देखिए उनकी बातों में कोई दम नहीं रहेगी, आप बिंदास जाइए और शादी की तैयारी कीजिए। शुभमस्तु। देख यार तू सारी बात समझ गया है ना, प्रेम करना बड़ी बात नहीं है, जिस लड़की से हम प्यार करते हैं उसे पाने के लिए हिम्मत जरूरी है। कोई प्रॉब्लम हो तो हैदराबाद आ जाना, मैं हूं ना, जो भी होगा मैं संभालूंगा। ओके ओके। तेरे बिना यहाँ अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुझे कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे फोन कर लेना। कई बार मैं उसे फोन कर चुका हूँ लेकिन कोई रिप्लाई नहीं। प्रसाद को फोन करके पूछता हूँ तो वो कहता है कि दोबारा उसका फोन नहीं आया। वो लड़की तुझे फोन नहीं करी मतलब तुम्हारा रिश्ता खत्म हो चुका है। लेवर उसकी याद में घुट घुट कर मरने से बेहतर है उसे भुला कर जीना सीख। ओके मैं चलता हूँ। यार ए, कुछ दिन और रुक जाना। करण जिस काम के लिए हम यहाँ आए थे वो हो गया ना, अब मैं हैदराबाद जाकर मम्मी पापा से मिलूंगा और सेटल होने के बारे में सोचूंगा। चलता हूँ यार। फिर कब आएगा? जल्दी आऊंगा यार। क्यों बेटा तुम वापस जा रहे हो क्या? हाँ अंकल। तो इसकी शादी में नहीं आओगे? ऑफ कोर्स जरूर आऊंगा, लेकिन पहले मम्मी पापा से मिल लूं, लड़की पसंद कर लूं, लाइफ का फैसला करना है। उतना टाइम नहीं है, इन दोनों की शादी इसी गुरुवार को होने वाली है। ए, तूने सोचा था लड़की के साथ झूठ बोल के हमें बेवकूफ बना लेगा? मैं भी तेरा बाप हूँ, ये शादी होकर रहेगी। ए, चल रे अंदर आ। अब क्या करें? मैं नहीं जा रहा हूं, मैं देखता हूं। Hey, मैंने सपना देखा कि तेरी शादी होकर टूट गई। यार भगवान करे तेरा ये सपना सच हो जाए। क्या करें यार, इस शादी को रोकने में हम नाकामयाब रहे। अब क्या करें यार? देखते हैं। hey, ये पकड़ना, मैं हेमा को फोन करता हूं। जरा जल्दी आना। सर क्या मैं एक फोन कर लूं? हाँ हाँ कर लो। नहीं रहा है तो दोबारा आकर नंबर लगाइए, फोन करने के लिए और भी लोग वेटिंग लिस्ट में खड़े हैं, आप फोन रख दीजिए। सर एक बार और ट्राई करके देखता हूं। अगर तुम्हारे जैसा इंसान रोज यहां आकर नहीं मिलने वाले नंबर पर इस तरह सिर्फ घंटी बजाता रहेगा तो मेरा धंधा तो चौपट हो जाएगा। गोविंदा सही से वजन करना भाई। फोन रख दो। शायद कोई घर पर नहीं है। उस घर में फोन है भी क्या? देख कर नहीं चल सकता देख क्या? तो रहा हूँ। थप्पड़ क्यों मारा मुझे? नो रिस्पॉन्स आ रहा है यार। ऐसा क्या? ये पकड़, मैं प्रसाद को फोन करके आता हूँ। अरे जाना। अरे बाप रे, अरे क्या हुआ? आदमी बदल गया। अरे बाप रे, पक्का कोई जादुई खेल चल रहा है। हेलो हेलो चीनू जी हैं क्या? रॉन्ग नंबर। मैंने कहा ना रॉन्ग नंबर है। ए इडियट, मैं बोल रहा हूँ चीनू। उस लता ने फोन कर करके दिमाग खराब कर दिया है, रोज 50 बार फोन करती है यार। मतलब लता के दिल में अभी भी करण बसा हुआ है। उसी मुहूर्त पे शादी होती है तो ठीक है, तारीख अगर आगे पीछे होती है तो मैं बच्ची को लेकर हैदराबाद चली जाऊंगी। आंटी बस बस, आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? वंडरफुल ठीक है। शायद कोई आया है। हाँ हाँ। तुम नाश्ता करो, मैं देखता हूँ, इसे सब्जी दो। नमस्ते दादाजी, आपने पहचाना मुझे? नहीं तो इससे पहले आपने मुझे कहीं देखा है क्या? मुझे तो कुछ याद नहीं आ रहा है। कैसे याद आएगा, हम मिले ही नहीं हैं, क्योंकि ये हमारी पहली मुलाकात है।
यहाँ कैसे आना? मेरी क्लासमेट यहाँ रहती दादाजी, यहाँ से गुजरा था, सोचा एक बार उसे मिलता चलो। अच्छा ये बात है, इतनी छोटी सी बात को इतना घुमा फिरा कर क्यों बोल रहे हो? चलो आओ। ये तो वही आंटी है। बेटी लता देखो तुमसे मिलने कौन आया है। मारे गए गुल्फा। ये अचानक कहाँ गायब हो गया? कौन था वो पापा? कोई हेमलता से मिलने आया था। मुझसे मिलने? हाँ बेटा। कौन था? अगर हेमा से मिलने आया था तो बिना मिले चला कैसे गया? हमारी बच्ची की शादी जिससे तय हुई है उसका और इसका कोई खास रिश्ता तो नहीं? तो हमेशा शक करता है। शक में दम तो है, देखते हैं। कहाँ है वो? अपनी आंखों से देखा था, यहाँ से निकला था और यहाँ खड़ा था। वो देखिए आ गया। खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? जाओ पकड़ो उसे, जाओ। अरे रुक क्यों गए? पता नहीं ये कौन है, मेरे गालों को नोच रहे थे। ये पागल खाने से भाग कर रहा है, तुम कहाँ इसके चक्कर में पड़ रहे हो? आओ चलो चलो, जाना कहाँ? शादी की तैयारी नहीं करनी क्या? आओ। मालिक आपने कुछ गौर किया क्या? क्या मतलब? वो दोनों अलग हैं, दोनों एक नहीं हैं। सच्चाई बताए तो मार क्यों रहा है? जो है वही बताया है, आपने भी देखा ना, कभी दोनों अलग हो जाते हैं कभी दोनों एक हो जाते हैं, ये है क्लोनिंग, समझ गए? क्या है भाई? क्लोनिंग। पहले तू अपना मुंह क्लोज कर। हाँ ये देखिए बहुत अच्छा है। वैसे साहब कौन सा फंक्शन है? लड़के की शादी है। ऐसा है क्या? कहाँ रिश्ता किया? तुम्हारे गांव के वो बड़े जमींदार है ना सत्यनारायण जी, ऐसा है पोती से रिश्ता तय किया है। अरे बाबा बहुत अच्छा रिश्ता है। शादी रोकने का आइडिया है मेरे पास, लेकिन थोड़ा रिस्की है। भाई मेरे इस शादी को रोकने के लिए मैं कोई भी रिस्क उठाने को तैयार हूँ, तू आइडिया बता। तो एक काम कर, सुबह की ट्रेन पकड़ ले और हैदराबाद चला जा और हेमा से शादी कर ले। अगर यहाँ शादी कर ली तो तेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। देख अब सोचने का वक्त नहीं बचा है, जोश का वक्त है। ऐसी बात नहीं है, अगर मैंने ये शादी नहीं की तो मेरे माँ बाप मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे, और बेचारी लड़की और उसके परिवार वाले भी, उनकी बेइज्जती होगी, यही बात है ना? हाँ यार। मेरे पास एक प्लान है। वो क्या? तो मंडप से ठीक मुहूर्त पर भाग जाना और इस बात को फैला मैं दूंगा, हल्ला मच जाएगा, और उस वक्त उस लड़की का हाथ मैं थाम लूंगा। लेकिन लता? तुझसे बढ़कर लता नहीं है यार, दोस्ती की खातिर इतनी कुर्बानी तो देनी ही पड़ेगी। चीनू
तू मेरी खातिर इतनी बड़ी कुर्बानी देगा, मुझे यकीन नहीं हो रहा। तू सिर्फ मेरा दोस्त ही नहीं, उससे कहीं बढ़कर है। जिससे प्यार करते हैं उसके लिए किसी के अरमानों का गला घोट देना ही दोस्ती है मेरे यार। सो मेरी शादी हो जाएगी, उसी मंडप में तेरे भी साथ फिरे होंगे। मुझे हैदराबाद एक फोन कर लो प्यारे, अगर वही नंबर हुआ तो फिर नहीं लगेगा। इस बार अगर नंबर नहीं लगा ना तो तेरा टेलीफोन तोड़ दूंगा। अरे मां, ऐसा मत करना, फोन कर लो। हेलो। हेलो, मैं हूं। लगता अब तक फोन नहीं लगा है। तुम्हारे एक्सप्रेशन देखकर यही लग रहा है। भगवान के लिए फोन रख दो यार, और अगर लग गया है तो बोलो हेलो। 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 उस दिन आप पार्क में क्यों नहीं आई? मैं तो आई थी, आप ही नहीं आए। मान लिया हम मिस हो गए, एक फोन तो कर सकती थी। मैं जब भी फोन करती सामने वाला हमेशा रॉन्ग नंबर कहता। मैं तुम्हारे एड्रेस पर भी आई थी लेकिन वहाँ ताला था। मैं यहाँ गाँव आ गया हूँ, यहाँ से भी कई बार फोन किया तो कोई फोन नहीं उठा रहा है। थैंक गॉड, अब तो हमारी बात हो गई ना। हेमा, मेरे घर वाले मेरी शादी करवाने पे तुले हैं। मेरे घर वाले भी मेरी शादी करवाना चाहते हैं। हम एक दूसरे से अब तक नहीं मिले हैं। मुझे कुछ नहीं सोच रहा कि मैं क्या करूं। मुझे बहुत डर लग रहा है जी। हेमा, आई लव यू। I love you too, Chino. मुझे जल्दी से यहाँ से ले जाओ। इसलिए मैं हैदराबाद आ रहा हूँ। तुम मत आओ, मैं ही कुछ रास्ता निकालती हूँ। तो फिर तुम सीधे मेरे गांव चली आओ। तुम्हारे गांव? नहीं, मेरे दादाजी और चाचा जी मिलकर मुझे और तुम्हें जान से मार डालेंगे। कोई और जगह बताओ ना जहाँ मिल सके। तुम्हें गोदावरी रेलवे स्टेशन पता है ना? गोदावरी स्टेशन ना पता है, हमारे गांव से थोड़ी ही दूर है, मुझे वहाँ आना है। ओके, तुम किसी भी तरह उस स्टेशन पे पहुँचो। कब पहुँचूं और कितने बजे? 15 तारीख को सुबह सूरज निकलने से पहले। 15 तारीख को? हाँ तो क्यों? ठीक है, मैं पहुँच जाऊंगी। भूलना मत, जरूर आना। और तुम भी मत भूलना। मैं अपनी जान पे खेल कर वहाँ जरूर पहुँचूंगा। अगर मैं तुम तक नहीं पहुँच पाया तो समझ लेना मैं दुनिया में नहीं हूँ। तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। 15 तारीख को सूरज निकलने से पहले हम दोनों गोदावरी स्टेशन पे मिलते हैं, ये याद रखना। ओके, बाय। इतने दिनों से जो बात तुम्हें करनी थी वो सारी बात तुमने आज पूरी कर ली प्यारे। दिल लेने का दिल नहीं कर रहा? ये रख लो, बाकी पैसों की कॉफी मंगा कर पी लेना। मैंने सबको यही एड्रेस दिया था, अब तक माल क्यों नहीं पहुंचा? अंकल, अरे वो छोड़ो, अब तक लड़की वाले क्यों नहीं आए? नहीं तो आ जाएंगे, लड़की को तैयार होने में थोड़ा टाइम तो लगता ही है। आ जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रहा था। अगर उस सीनू ने बटला ब्रदर्स का ग्रुप मंगवाया है तो मैंने भी चोर बाजार की छप्पर फाड़ पार्टी बुलवाई है। अरे क्या हुआ, तेरे बाकी के फ्रेंड्स कहाँ हैं? एक फ्रेंड के अलावा कोई और फ्रेंड नजर ही नहीं आ रहा। अरे चीनू, जरा इधर आना। क्या बात है, तू हैदराबाद नहीं गया? यार मेरी किस्मत ने फिर से बाजी मारी। मतलब तुझे हैदराबाद का टिकट नहीं मिल गया है? वो भी एक नहीं, दो। दो? दो किस लिए? स्टेशन जाकर ट्रेन पकड़ने से पहले मैंने हेमा को फोन किया था। हेमा मुझे मिली यार। हेमा के घर वाले उसकी शादी करवाना चाहते हैं, वो मेरी खातिर शादी के मंडप से भागने को भी तैयार है। 15 तारीख की सुबह हम दोनों गोदावरी स्टेशन पर मिलने वाले हैं यार। इस बार तो हमारा मिलना बिल्कुल तय है। क्या हुआ, तेरे बताए रास्तों पर मैं अब तक चलता आया हूँ, फिर तू क्यों उदास है? जिसे तू खो चुका था उसे तूने पा लिया, सुनकर शौक लगा। चीनो, तू मेरे का और काम कर सकता है क्या? हेमा और मैं इस गांव से निकलने तक मेरे पिताजी को डाउट नहीं होना चाहिए, तू मैनेज कर लेगा ना? करण, करण, क्या हुआ? मेरी शादी के बारे में नरसिम्हा को पता चल गया है, वो तुम्हें किडनैप करके अपनी बेटी के साथ शादी करवाना चाहता है। मुझे पहले से ही शक था कि वो कमीना कोई ना कोई हरकत जरूर करेगा, इसलिए मैंने उसका पूरा इंतजाम किया है। ए, तुम उन्हें बॉम्ब से उड़ाओ या तलवार से काटो ये मैं नहीं जानता। वो सीनू और उसकी गैंग के सारे गुंडे हॉस्पिटल में होने चाहिए। मैं भी क्या चीजों में उसे दिखाना चाहता हूँ। तुम तैयार हो? तैयार हैं। तो फिर जाओ। चलो चलो चलो, रुक जाओ। चलो भाइयों,
मारना काटना किसी समस्या का हल नहीं है अंकल। सामने वाला वार करेगा, हम चुपचाप बैठे रहेंगे। वो आप मुझ पर छोड़ दीजिए, मैं सब संभालूंगा, आप तैयारी कीजिए। ए चलो रे, तू मेरे साथ कैसे करेगा? अगर नहीं कर पाया तो सारे इल्जाम खुद पर ले लूंगा। वो कैसे यार? वैसे भी अगर तूने शिनू जी की लड़की से शादी नहीं की तो वो तुझे मार देंगे, तो मैं अकेला जीकर क्या करूंगा? मेरे लिए तो इतना बड़ा रिस्क उठाएगा? तुझे क्यों लगता है कि तेरे लिए कर रहा हूँ? यूं समझना कि मेरे लिए कर रहा हूँ। उस दिन मुझे उन बातों पर यकीन नहीं हुआ था। कभी कभी शक की हुई बातें सच हो जाती हैं। वो मेरी बच्ची है, आज तक उसने मुझसे अपने दिल की कोई बात नहीं छुपाई, लेकिन हेमा और लता के नाम से वो प्यार का खेल खेल रही है, ये बात मुझे नहीं पता थी। वो बात हमें पता थी बाबूजी। उस दिन जो मेरी बच्ची से मिलने आया था लेकिन चुपचाप भाग गया था, कहीं ये वही लड़का तो नहीं? मैंने तो तब भी कहा था, लेकिन मेरी बात पर कोई यकीन करे तब ना। उसके प्यार के बारे में हम कुछ नहीं जानते, ऐसा हमें जताना है। सफर आराम से कटा ना? हाँ। एग्जाम कैसा हुआ बेटा? बहुत अच्छी विदा दादाजी। ठीक है, अंदर जाओ, जाओ इसे तैयार करो। अच्छा। बेटी हेमलता। परीक्षा में तुम्हें इस बार अच्छे नंबरों से पास होना है बेटा, फेल हो गई मैं नहीं सुनना चाहता। मैं सही कह रहा हूँ ना? आप ऐसा क्यों सोच रहे हैं दादाजी, मैं जरूर फर्स्ट रैंक से ही पास होकर दिखाऊंगी। अच्छी बात है, लगता है तुम्हें फुल कॉन्फिडेंस है, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। उसके प्यार के बारे में मैं जानती हूँ, ये उसे मालूम नहीं। उसके चेहरे की खुशी देखकर मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। ये बताओ कितने बजे की गाड़ी से वो जाने वाले हैं? वो लोग गोदावरी स्टेशन पर मिलने वाले हैं ऐसा मैंने सुना है, लगता है वो दोनों ट्रेन से हैदराबाद जाएंगे। 15 तारीख को इसकी शादी का मुहूर्त भी है, अगर ये बात सच साबित हुई तो दोनों में से एक भी जिंदा नहीं बचेगा। ये क्या कह रहे हैं बाबूजी, लता को एक कमरे में डालकर बंद कर देंगे हम? फिर भी वो यही कहेगी कि मुझे ये रिश्ता पसंद नहीं है, मुझे शादी नहीं करनी है, पूरे गांव वालों के सामने हमारी नाक कट जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी, अगर उसे जाने देंगे तो हमारी नाक नहीं कटेगी? मैं 7 गांवों के पंचायत का फैसला सुनाते आया हूँ, आज मेरे ही घर की बच्ची मेरी पगड़ी उछालने पे तुली है, कोई कुछ भी नहीं कहेगा। पहले मुझे उन्हें रंगे हाथ पकड़ना है, फिर यह मामला कैसे खत्म करना है मैं जानता हूँ। वो स्टेशन पे जरूर आएगा, जिस किसी ने हमारे पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की है उसकी लाश लता के सामने ही वहां गिरेगी, और अगर हमारी बच्ची ने अपनी गलती मान ली तो जो मुहूर्त मैंने तय किया है उसी मुहूर्त में उसी लड़के के साथ हमारी बच्ची की शादी होकर रहेगी। है बटला ब्रदर्स, सबको होशियारी से काम करना है, क्योंकि अब शादी के मंडप में ही हम डायरेक्ट अटैक करने जा रहे हैं। ए मोटे, तू मालिक का बॉडीगार्ड रहेगा, और 3 फुटिया तू मेरा बॉडीगार्ड रहेगा, और बाकी के सारे शादी रोकने का काम करेंगे। अगर पहुंचने से पहले शादी हो गई तो दावत खा के लौट आना। ये थप्पड़ याद रखना, चलो। भी उसी का आदमी है, इसे भी माफ नहीं करना है, मारो इसे। रुक जाओ। क्यों रुक गए? इन्होंने रुकने के लिए कहा ना। अगर ये कहेगा कि तुम लोग मुझे मार डालो तो मार डालोगे? मैं आपका दुश्मन नहीं हूँ। और दोस्त भी तो नहीं हो? देखिए, एक शरीफ आदमी पर हमला करना ठीक नहीं है। क्यों? उस शरीफ आदमी ने इनसे भी बड़े बदमाश बुलाए हैं, उनके पास बम भी है। बाप रे, बम? ये क्या, बम का नाम सुनते ही तुम्हारी आवाज क्यों अटक गई? तुम लोग सच में रॉडी हो? बोल बच्चन रॉडी। बोल बच्चा नहीं रहना, नहीं तो तोड़ दूंगा। आप उसके बेटे से अपनी बेटी की शादी करवाना चाहते ना? मैं उसे लेकर आऊंगा। तुम उसे कैसे लाओगे? आपकी लड़की से उसकी शादी तय हुई ये बात मुझे आज पता चली है, अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना। अब बताइए कि आप क्या चाहते हैं? मेरी बेटी की शादी उसी के साथ हो वो सब तो ठीक है, लेकिन जान से प्यारे दोस्त के साथ तुम गद्दारी कर सकते हो तो हमारे साथ गद्दारी नहीं करोगे, इसकी क्या गारंटी है? दोस्त के साथ गद्दारी के कोई मायने नहीं होते, क्योंकि इससे मेरा मकसद जुड़ा है। लता, आज के दिन तू इतनी उदास क्यों है? आज हमारे प्यार का इम्तिहान है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। हाँ। आप कह तो सही रहे हैं, लेकिन क्या है यार?
यार तुम ठीक हो ना? दादाजी। हाँ? क्या बात है बेटी? मैं मंदिर जाकर दर्शन करके आती हूँ। ठीक है बेटा, अकेली जा रही हो या किसी को अपने साथ लेकर जा रही हो बेटा? वैसे भी अकेली जाओगी तो शांति से भगवान से कुछ भी मांग सकती हो। देखो बेटा, ऐसे शुभ अवसर पर जो भगवान का दर्शन करने जाता है उसकी मनोकामना भगवान जरूर पूरी करते हैं बेटा, जा। ठीक है। एक मिनट यहाँ हूँ ना। मैं आ रही हूँ। हो जाएगा। क्या बात है बेटा? मेरे कुछ दोस्त लोग आए हैं, मैं उन्हें लेने के लिए स्टेशन जा रहा हूँ। तुम्हें जाने की क्या जरूरत है, किसी और को भेज दो। नहीं माँ, तुम जानती हो ना यहाँ उन्हें कोई नहीं पहचानता। चलो ठीक है, तुम जल्दी आ जाओ। कैसी है भाभी? हाँ ठीक। भाई साहब नहीं आए? वो नहीं आए, उन्हें हॉस्पिटल में जरूरी काम था तो वहाँ चले गए। मैं आ गई ना। चलो अच्छा हुआ। माँ। हाँ? अरे अरे, स्टेशन पर दोस्तों से मिलने जा रहा है, पैर छूने की क्या जरूरत है? बस यूं ही, अब मैं चलता हूँ। संभल कर जल्दी आना। हाँ ए चिनू, जल्दी कर यार। बाप रे, किसी को शक ना हो जाए इसी बात का मुझे डर था। चिनू, हेमा को मैं किस तरह देखूंगा ये सोचकर दिल में घबराहट हो रही है। कर रहा है? तुम लोग कहां जा रहे हो? रेलवे स्टेशन? नहीं, सरस्वती से शादी करने। ये तो क्या बकवास कर रहा है? मैं क्या बक रहा हूं? अगर ये जानना है तो उस महाशय से पूछो कि सच्चाई क्या है। क्या पागलों जैसी बात कर रहा है तू? मैं सच में रेलवे स्टेशन जा रहा हूं यार। झूठ, उससे पूछो वो तुम्हें कहां ले जा रहा है। कुछ पूछने की जरूरत नहीं है। ए, तू सिर्फ मेरा कहने के लिए दोस्त है, लेकिन वो मेरे लिए जान से भी बढ़कर है। लेकिन इस वक्त तू जा रहा है मेरी सरस्वती से शादी करने। ए, वो मुझे भैया कहती है, ये बात तू अच्छे से जानता है। स्टॉप इट। बिल्कुल सही कहा, तुम्हें स्टेशन नहीं ले जा रहा हूं। ये क्या बात कर रहे हो यार? सही कहा, लता को पाने के लिए तेरी शादी सरस्वती से होगी। उससे मेरा क्या लेना देना है? है, जिस लड़की को मैं चाहता हूं वो लता है, तू जिसे चाहता है वो हेमा, और जिसे तूने ना कहा वो तीनों एक ही हैं। सच कह रहा? बिल्कुल सही। सच्चाई का पता चलने पर तुम दोनों को अलग करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। बहुत कोशिश की लेकिन तुम दोनों को अलग नहीं कर पाया। मेरा क्लोज फ्रेंड होके भी मुझे इतना बड़ा धोखा दिया? यही मान ले, मेरा मतलब तू जानता है मैं किस लिए दोस्ती करता हूँ, ये भी जानता है। वो सब बुलाकर तेरा कितना साथ दिया ये जानता है। मैं हेमा से कितना प्यार करता हूँ ये तुम्हें पता है? प्यार करने वाले को प्यार नहीं मिलता, और तू है कौन उसके सामने? वो लड़की कहाँ पर रहती, क्या करती है, तो कुछ भी नहीं जानता। लेकिन मैं उसे जानता हूँ। जब तूने हेमा से प्यार किया तो मैंने ही तेरा साथ दिया था, लेकिन जब पता चला कि हेमा और लता दोनों एक ही है, ये बात तुझे बता नहीं पाया, रोक नहीं पाया तुझे। लेकिन मैं कितना तड़पा हूँ, रोकर कितनी रातें काटी है मैंने, ये तुझे क्या पता। हेमा मेरी जान है। मेरे लिए वो जान से बढ़कर है। उसे पाने की हर कोशिश की लेकिन मात खाई, जितना उसे चाहा उतनी वो दूर होती गई। उसे पाने के लिए तुझे धोखा तक दिया, मेरे पास और कोई चारा नहीं था।
तूने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया, तुझे तुझे मैं नहीं छोडूंगा। करण मैं जिंदा नहीं छोडूंगा, छोड़ दो मुझे। अपनी जुबान से भी तू हार गया और दोस्ती भी नहीं निभा पाया, इससे मुझे यही उम्मीद थी। इसे गाड़ी में डालो। हेमा, तुझे चीनू के नाम से जानती है, ये तुझे समझ में आ गया है। अब मैं उसे बता दूंगा चीनू मैं, तुझे अपना रास्ता नाप। गुड बाय। चलो 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 रुक। अरे ले आओ मुझे, अरे लड़की को जल्दी लेकर आओ। पंडित जी आप शादी की तैयारी कीजिए, तेरे साथ इसकी शादी करवाने के लिए मुझे इसे उठा कर लाना पड़ा और तू रो रही है। छोड़ दो मुझे। सरस्वती अब तुम ही सच बताओ, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। उस दिन तुम मुझसे शादी करने के लिए मेरे साथ भागी थी क्या, बताओ। नहीं, मैं आपकी बेटी से प्यार करता हूँ और शादी करना चाहता हूँ। अब किसी को कोई शक है तो वो सरस्वती से पूछ ले। चुप क्यों हो, क्या ये लड़का सही कह रहा है? हाँ बाबूजी, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सच्चाई सामने आती है, आप इसे मार डालेंगे, इसी डर से इसने अपना मुंह बंद रखा। इन दोनों के गुनहगार आप हैं। मैं मानता हूँ कि मुझसे गलती हो गई, लेकिन फिर भी मेरी बेटी की शादी इस लड़के से कभी नहीं होगी। माली के बच्चे एक दूसरे से प्यार करते हैं। ले जाओ इसे। अरे हम लोगों ने सुपारी लिया था, इसे उठाने के लिए मारने के लिए नहीं। बच्चे की जिंदगी का सवाल। फिर बोला वो इस वक्त मेरी बेटी है, तुम्हारी नहीं। वेनु जाके मंगलसूत्र बांध, मैं भी देखता हूँ कौन बीच में आता है। शहनाई बजाओ, शहनाई। चलो हार पहनाओ। से मिलने आया था और फिर भाग गया था। अरे रुको, तुम लोग जाओगे तो वो पहचान लेगा। hey, तुम जाओ। कहां जा रहे हो भाई साहब? हैदराबाद। अकेले जा रहे हो कि किसी के साथ? तुझे से कोई मतलब है? ओह ये बात है। Ah!
चेहरा देखकर मुझे कमजोर समझ रहे हो? थोड़ा तेज चलाइए ना प्लीज। जान पर खेलकर तुम तक जरूर पहुंचूंगा। अगर मैं तुम तक नहीं पहुंच पाया तो समझना कि मैं इस दुनिया में नहीं, मैं मर चुका हूं। अपनी जान पर खेलकर वहां तक जरूर पहुंचूंगा। अगर मैं नहीं पहुंच पाया तो समझ लेना कि मैं इस दुनिया में नहीं हूं, मैं मर चुका हूं। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपनी जान दे दूंगी। Thank you.
जी हाँ, मैं ही चीनू हूँ, तुमसे प्यार करने वाला चीनू हूँ, लेकिन तुम जिससे प्यार करती हो वो चीनू मैं नहीं हूँ, वो ये है। करिश्मा है, सब वैसा ही हुआ। उसकी कुंडली में यही लिखा था कि वो लड़की को भगाकर ही शादी करेगा, और देखिए वही हुआ। उसने कहाँ भगाया, मेरी पोती तो खुद भाग कर आई है। उसकी कुंडली में भी तो यही लिखा है। चलो ठीक है, भाग कर ही सही, दोनों की शादी तो तय हो गई। इससे पहले कि मुहूर्त बीत जाए चलिए दोनों की शादी करते हैं। सुन, मैं किसी के प्यार में दीवाना था, लेकिन प्यार एक तरफा नहीं होता, जस्ट एक फीलिंग है। आज मैं समझ गया कि बस सच्चा सच्चा प्यार क्या होता है। तुम दोनों को देखकर, सुन करण, तेरे प्यार के खातिर ये बेचारी जान दे रही थी। जानता हूं तू भी इससे बहुत प्यार करता है, लेकिन ऐसे प्यार करने वाली तुझे नहीं मिलेगी। मैं तुम दोनों के बीच दीवार बन गया था क्योंकि मुझे प्यार नहीं मिला। आज देखा, प्यार करने वाले एक दूसरे के लिए जान दे देते हैं। आज तेरे प्यार ने तुझे बचा है यार। एनीवे, सॉरी यार, सॉरी फॉर एवरीथिंग। इसे हमेशा खुश रखना, ये वादा कर मुझसे। ओके बाय। Bye.